Hello everyone, and very good evening to all of you. Hi everyone, and very good evening to all of you. कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हाउ आर यू ऑल? बहुत दिन हो गए हैं. यस, एंड इज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि आपसे वापस मुलाकात हो रही है, और खासकर इस रिविजन मोड में जहां हम सुपर फास्ट मोड में आपके साथ पढ़ाई करेंगे. एंड आई थिंक वी विल डू वेरी वेल, क्योंकि एक निश्चय है, आई एम वेरी श्योर कि एक आप लोग के पास भी एक पढ़ाई करने का एक अभी बहुत बहुत मन कर रहा है कि कैसे रिविजन करें, क्या वो सब चीजें जो अभी इसमें ध्यान रखनी है, क्या वो चीजें आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्या वो चीजें हैं जो कि इस टाइम पे आप छोड़ भी सकते हो. राइट, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पूरी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, नहीं पढ़ाई कर पाए हैं इनफैक्ट, तो वो सब भी हम ट्रिक बताएंगे यहाँ पर कि हाँ, ये सब ना आप छोड़ भी सकते हो, इसको छोड़ के आगे बढ़ के भी अच्छा रैंक और रिजल्ट आ सकता है. तो दैट इज वन थिंग वी आर वेटिंग फॉर. यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. मैं भी बहुत बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू. इतने सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इट रियली फील्स ग्रेट एंड नाइस दैट यू ऑल आर विथ मी नाउ. और इफ एवरीथिंग इज ओके तो तुरंत स्टार्ट करते हैं क्लास की. आज के क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो होगा लिविंग वर्ल्ड. आर यू सुपर एक्साइटेड और नॉट? आर यू बहुत एक्साइटेड हूं मैं. टॉपिक देखा जाए तो ईजी है, बट फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत हमेशा अच्छी होनी चाहिए. इनफैक्ट टॉपिक इजी का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है इसको, है ना कहीं जीनस, स्पीशीज, एपिथेट्स एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लिविंग वर्ल्ड क्या है, लिविंग क्या है, जहां हमने पढ़ा था पहले भी. हाँ, बहुत कंफ्यूजन ये भी होता है कि मोनोग्राफ क्या है, कैटलॉग क्या है, फ्लोरा क्या है, हर्बेरियम्स क्या है, म्यूजियम क्या है, जू क्या है ना, ये सब टर्म्स बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं. बट मैं ट्राई करूंगा कि इसको जितना ईजी कर सकता हूं उतना ईजी करके आपको फटाफट रिविजन करा के हम आगे बढ़ जाए. तो यस, आई एम वेरी विथ यू ऑल. कुछ बच्चे कुछ बात कर रहे हैं, वो जरा मैं देख लूँ क्या कह रहे हैं. वी अटेंड? यस, आपको तो बेटा ये लेक्चर करना ही है, बिल्कुल करना है. शाम में 6 बजे हैं. अच्छा, एक और काम करेंगे आज, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा नहीं रहेगा. आई सपोज कि मैं इसको फटाफट 1 घंटे में रिवाइज कर दूंगा. तो लेक्चर के लास्ट में क्या करेंगे, आपके जो भी पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं ना, कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब भी हम सॉल्व करेंगे. ठीक है? सो आई होप यू ऑल आर ओके एंड रेडी. सुपर एक्साइटेड. यस, रियली फील्स ग्रेट टू सी सो मेनी मैसेजेस, दैट्स रियली रियली फील नाइस. तो एक मुस्कान के साथ शुरुआत करते हैं. यस, आपको सक्षम बैच भी देखना है ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल देखना है. तो शुरुआत करें बेटा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आपको पता है कि यूजुअली हम लोग सिर्फ ज्यादातर पढ़ाई में ही ध्यान देंगे, और तुरंत शुरुआत करते हैं, पढ़ाई की शुरुआत करेंगे. और ये आया शुरुआत में, देखो. तो बेटा देखो, सबसे पहले जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ का हमें ध्यान रखना है, समझो इस बात को. सबसे पहले जो अर्नस्ट मेयर है, देखो बहुत बार ना जब मैं क्लास शुरुआत करता हूँ तो बहुत लोगों को प्रणाम कराता हूँ, याद है? तो उस तरह से इन महाराज को थोड़ा प्रणाम करूं और आगे बढ़ो. इनका नाम है अर्नस्ट मेयर. अर्नस्ट मेयर को बोला गया है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. अर्नस्ट मेयर को बोला गया, तो बड़ा ध्यान देते जाओ, उसको अंडरलाइन भी करते रहो, ठीक है ना. ही हैज बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना आपको. ठीक है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, दिस थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कब बॉर्न हुए थे, कहां बॉर्न हुए थे, वो तो आई डोंट थिंक उतना रिक्वायरमेंट होती है. बट यस, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी क्यों बोला गया? दो कारण से बोला गया है. नंबर वन, ही हैज बीन कॉल्ड इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टूडे. ही हैज बेसिकली डेवलप्ड द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टूडे. एंड सेकेंडली, ही हैज डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ जूलॉजिकल स्पीशीज वॉज गिवन बाई अर्नस्ट मेयर. दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट डेफिनेशन ऑफ जूलॉजिकल स्पीशीज के ऊपर एमसीक्यू भी आया हुआ है नीट में, आपको ध्यान रखना पड़ेगा. दैट टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टूडे, यहां पर देखो इंपॉर्टेंट चीज है. थ्रू आउट हिज कैरियर ही हिज रिसर्च स्पैंड द टॉक्सोनॉमीज, जू, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमेटिक्स एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी. उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फटाफट आगे बढ़ेंगे. ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी. यस, ठीक है, आगे देखो. ही ऑल्सो पायोनियर्ड द करंट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज. तो ये जो वर्ड है ना बेटा, इसको याद रखना है. ठीक है, अगेन मैं कह रहा हूं, दो चीजें यहां पर फटाफट अगर आप लिख सकते हो तो फटाफट लिख लो. अगर आपके पास एनसीईआरटी है, जो लोगों ने क्लास करी हुई है, कोई बात नहीं. पहला इवोल्यूशनरी, ठीक है, मैं फटाफट लिख रहा हूं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के ऊपर स्टडी किया था वो अर्नस्ट मेयर ने किया था. और सेकंड जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ जूलॉजिकल स्पीशीज. ओके, डेफिनेशन ऑफ जूलॉजिकल स्पीशीज. दो चीजों पे आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं. ठीक है, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं. अच्छा बेटा, मेरा आवाज क्लियर है कि मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है?
ठीक है बेटी, आवाज क्लियर आ रही है तो बता दो मुझे। चलो अब हम पढ़ते हैं लिविंग वर्ड क्या है। इन सारों का जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आपको फटाफट लिखवाऊंगा, पर पहले मेरे पर ध्यान दो। देखो लिविंग क्या है, हु इज लिविंग, पहले समझे समझते हैं, 2 मिनट मेरी बात समझ लो तुरंत याद हो जाएगा। जब हम बात करते हैं कि लिविंग, कोई भी पर्सन को हम लिविंग बोल रहे हैं नॉन लिविंग बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ फीचर्स होने चाहिए। फीचर्स अलग चीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग चीज होती है, और डेफिनेशन डिफाइनिंग इवेंट्स अलग चीजें होती है। तीनों चीज अलग होती है, समझो बात को। व्हाट इज अ फीचर, जैसे एज अ ह्यूमन बॉडी हेयर इज अ फीचर, नोज इज अ फीचर, आई इज अ फीचर। बट इफ यू लुक एट दिस कि देखो हेयर नोज आईज ये तो बेटा सभी एनिमल्स में भी तो है, तो दीज डोंट डू नॉट बिकम अ डिफाइनिंग फीचर। तो इफ आई से कि डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमंस क्या है, कि अगर आप मुझे बुरा बोलोगे मुझे खराब लगता है, मैं सोचता हूं उसके बारे, तो मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस, मैं अपने बारे सोचता हूं। देखो आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हो, बिकॉज आपको लाइफ में अच्छा बनना है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस इज वॉट डिफाइन्स अ ह्यूमन बींग, ठीक है, वॉट डिफाइन्स अ ह्यूमन बींग, है ना। उस तरह से जब मैं बात करूंगा लिविंग वर्ल्ड के फीचर्स, लिविंग वर्ल्ड के फीचर्स जब बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड के फीचर्स, तब हमें समझना पड़ेगा कि उसकी फीचर्स क्या है। बात तुरंत सुनो मेरी बात, ग्रोथ, लिखना नहीं पड़ा, सुन लो मेरी बात, ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ मास एंड नंबर, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, चौथा मैं सब कुछ लिखवाऊंगा, पहले सुन लो, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, माउंट एंड इम्यून रेस्पॉन्स, ओके, माउंट एंड इम्यून रेस्पॉन्स, सेल्फ रेप्लीकेशन, छठा सेल्फ रेप्लीकेशन, सेवेंथ इंटरैक्शन विद द सराउंडिंग्स, एंड एट इवोल्यूशन और इमर्जेंस आर द फीचर्स ऑफ अ लिविंग पर्सन। ठीक है, अब देखो बात को, जब हम बात करते हैं कि हाउ डू डिफाइन लिविंग, यहां पर कुछ टर्म्स यहां पर इंपॉर्टेंट है, फटाफट अंडरलाइन करो कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट, माउंट अ सुटेबल इम्यून रेस्पॉन्स, माउंट अ सुटेबल इम्यून रेस्पॉन्स आर द यूनिक फीचर्स ऑफ अ लिविंग बींग। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये डिफाइनिंग फीचर्स है, मैं कह रहा हूं ये फीचर्स है लिविंग बींग के, जैसे हेयर है, नोज है, आई थी, ये तो फीचर्स है ना ह्यूमन बींग के, बट आर दे डिफाइनिंग फीचर्स? नो नो, दे आर नॉट डिफाइनिंग फीचर्स। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बट यहां पर अब इन इन सभी फीचर्स को अगर एक एक कर लिया जाए, तो देन दे से कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज एक्सक्लूसिवली सीन इन लिविंग वर्ल्ड, हर एक चीज को डिफाइन किया गया है। पहला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इज इट अ डिफाइनिंग फीचर? नो। जैसे एक बड़ा सिंपल एग्जांपल आपने याद होगा, इसमें लिखा हुआ है कि माउंटेन्स भी तो ग्रो करते हैं, बोल्डर्स ऑल्सो ग्रो, माउंटेन एंड बोल्डर्स ऑल्सो ग्रो, बट डज दैट बिकम अ लिविंग फीचर? नो। माउंटेन भी ग्रो कर रहा है बिकॉज में सॉइल डिपोजिशन हो रहा है, तो लिविंग फीचर नहीं है, बट मतलब डिफाइनिंग फीचर नहीं है, बट फीचर तो है। चलो पहला हुआ इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन, या लिख लो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर हो सकता है, फटाफट आगे बढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अच्छा सेकेंडली, प्लांट्स जो है और जो एनिमल्स है, समझो बात को, प्लांट्स और एनिमल की जो ग्रोथ होती है वो अलग तरह से होती है। क्या डिफरेंस है समझो, जो प्लांट्स है वो हमेशा ग्रो करते हैं, इनडेफिनेट ग्रोथ होता है, इनडेफिनेटिव ग्रोथ होता है, बट जो ह्यूमंस हैं या फिर जो एनिमल्स हैं वो अपने लाइफ स्पैन पूरा ग्रो नहीं करते, एक लिमिट तक ग्रो करते हैं और फिर उनकी ग्रोथ स्टॉप कर जाती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ होती है, पर ग्रोथ दोनों ही कर रहे हैं, ठीक है। सो प्लांट ग्रोथ अकर्स कॉन्टिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, बट एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू सर्टन एज, ठीक है, ओनली सर्टन एज, ठीक है, बट सेल डिविजन के थ्रू ग्रोथ हो सकती है। बाकी जो यहां पर लिखा हुआ है आई डोंट थिंक इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो मैं फटाफट आगे बढ़ जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा तो ग्रोथ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग वर्ड। ये देखो ये वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ये बहुत काम आएगा आपको, एनसीईआरटी एक लाइन पढ़ लेंगे आज, और जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में समझो बात को। देखो अगर मैं बोलूं कि रिप्रोडक्शन इज अ डिफाइनिंग फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दो डिफरेंस है। अगेन समझो, जैसे होता है ना 24 कैरेट गोल्ड, उसे कहते हैं हॉलमार्क गोल्ड, हॉलमार्क गोल्ड, है ना। तो अगर कोई गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड है, उसमें एक स्टैंप लगा दिया जाए, उसे कहेंगे हॉलमार्क हो गया। मतलब अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये 24 कैरेट गोल्ड है या नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, कोई चीजें डिफाइनिंग फीचर होती है, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों? देखो यूजली क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं बेटा, आपको पता है,
बट कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो बेटा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। जैसे इसमें यहां पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, म्यूल्स, मेल हनी बीज एंड इनफर्टाइल कपल्स। बेटा ये तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते ना, बट ऐसा नहीं है कि लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स है या ऑर्गन्स है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। वो तो प्रोड्यूस कर रहे हैं बट ये रिप्रोड्यूस नहीं करके भी लिविंग है। तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डिफाइनिंग फीचर, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, तो यहां पर फटाफट एक अंडरलाइन करो, एक नीचे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है उसके बाद ऊपर हम वापस पढ़ेंगे। पढ़िए, देखो, देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स, इसके यहां पर देखो, मेनी ऑर्गन विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, जैसे म्यूल्स, स्टराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। हेंस ये देखो, रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि डिफाइनिंग फीचर नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब कैसे कैसे ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे भी आपको याद करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है, यीस्ट और हाइड्रा कैसे ग्रो करते हैं, बडिंग के थ्रू। ठीक है, यहां पर ये लिखा हुआ है, फटाफट अंडरलाइन कर देता हूं। देखो, यीस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है, वो करते हैं बडिंग के थ्रू। फंजाई, जो फंजाई है ये ग्रो करते हैं एफ से, फंजाई एस से फ्रैगमेंटेशन, दे मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजली ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल पोर्स दे प्रोड्यूस। ओके, यीस्ट एंड हाइड्रा दे ग्रो बाय बडिंग। ठीक है, प्लेनेरिया जो कि फ्लैट वर्म्स होता है, फ्लैट वर्म्स होते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय टू वेज, एक है बाइनरी फिशन और एक है रीजनरेशन ऑफ द लॉस्ट पार्ट। ये लिखा हुआ है यहां पर, फ्रैगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स अ लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम्स अ न्यू ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ देम रीग्रो बाई रीजनरेशन, आपका आंसर होगा ट्रू रीजनरेशन। आंसर क्या होगा बेटा, इट इज प्लेनेरिया, याद रहेगा, प्लेनेरिया शोज ट्रू रीजनरेशन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है। अगेन फंजाई के बारे में बात होगी एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि यहां तीन नाम लिखा हुआ है, बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा। ठीक है, बैक्टीरिया, एल्गी, अमीबा, दे इंक्रीज बाय माइटोसिस, दे ग्रो बाय माइटोसिस। ये तीनों कैसे करते हैं, इंक्रीज इन सेल नंबर, यहां से होता है माइटोसिस। ठीक है, यहां पर होता है माइटोसिस। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके ऊपर बनेगा, प्लेनेरिया के ऊपर बनेगा, प्लेनेरिया ग्रोज बाय रीजनरेशन, याद रहेगा, प्लेनेरिया ग्रोज बाय रीजनरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट वाले में, जहां पर है मेटाबॉलिज्म। पहले एक बात समझो, जब मैंने लास्ट टाइम भी आपको पढ़ा रहा, जो बच्चे में से पढ़ रखे हैं उनको एक कंफ्यूजन यहां पर हो गया, उन्होंने पूरी बात नहीं पढ़ी, नहीं सुनी और ना पढ़ी। देखो, मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस ये अलग अलग चीजें हैं, प्लीज कंफ्यूज मत करना। मेटाबॉलिज्म और मेटाबॉलिक रिएक्शंस अलग अलग चीजें हैं, मैं आपको समझाता हूं। देखो, आपने पढ़ा है, मुझसे एक चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब हम कुछ खाते हैं, जैसे मान लो मैंने खाया एक स्वीट, खाया स्वीट में कार्बोहाइड्रेट है, जब वो कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो निकलेगा क्या, शुगर्स निकलेंगे। तो ये है कैटाबॉलिज्म, काटा, काटना, मतलब ऐसे कैटाबॉलिज्म, CATA इंग्लिश वर्ड है पर मैं हिंदी करके इजी समझा रहा हूं, काटा उसको काटते हैं, मतलब इजी करते हैं। कैटाबॉलिज्म इज बेसिकली ब्रेकडाउन ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। और एक होता है एनाबॉलिज्म, मतलब प्रोडक्शन, क्या हो रहा है, देखो जब मैंने स्वीट्स खाए तो स्वीट से निकला शुगर, जब ये टूट रहा है इसे कहोगे कैटाबॉलिज्म। अल्टीमेटली ये शुगर से मेरे बॉडी का कुछ पार्ट बन रहा होगा, जब वो बनता है उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म, उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म, एक पार्ट बनता है उसका नाम है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है, इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। समझो, सुनो ध्यान से, ठीक है ना, सुनोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाओगे। देखो, मेटाबॉलिज्म क्या है बेटा, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, यहां फटाफट लिख लेता हूं मैं, मेटाबॉलिज्म इट इज एक्चुअली अ सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी। इनफैक्ट एक लाइन, एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू टू थिंग्स, क्या है वो, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन बी कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग फीचर, नहीं। देखो, डिफाइनिंग फीचर में जो एनसीईआरटी कहता है वो सिर्फ तीन चीज कहता है, उसी के ऊपर हम ध्यान देंगे। अब आप कुछ ऐड करके कुछ उसको डालोगे जबरदस्ती तो आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, खासकर नीट वाला। ठीक है, आप अपने कोचिंग का एमसीक्यू तो सॉल्व कर लोगे बट नीट के एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज नीट मानता है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी।
ठीक है, अच्छा चलिए अब देखते हैं आगे। देखो अब मैं क्या कह रहा था कि एक है मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है? मेटाबॉलिज्म देखा जाए एनसीईआरटी के थ्रू तो वो डिफाइनिंग फीचर है, पर आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं है, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस नहीं है। और देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो लाइन ठीक से पढ़ना, कंफ्यूजन नहीं करेंगे इस बार, ठीक है? यही पर लिखा हुआ है, ये फटाफट पढ़ते हैं। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, इसी को लाइन को मैंने अलग से लिखा है, इसको फटाफट अंडरलाइन करो, काम आएगा ये, ठीक है ना? फटाफट अंडरलाइन करो, ये एमसीक्यू एग्जैक्टली लाइन लाइन पढ़ा रहा हूं आपको एनसीईआरटी। नो नॉन लिविंग एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब देखो ये वर्ड जहां से आपको कंफ्यूजन होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेट आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम ऑल्सो। अरे भाई केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हो निखिल सर से, तो वो तो मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शन ही तो है, वो है क्या और, ठीक है? एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन अकर आउट ऑफ द बॉडी इन अ टेस्ट ट्यूब इन अ लिविंग इज आइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। अब देखो आगे यहां ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर। समझ में आ गया? अब इसको कंफ्यूज मत करना, पहले यह मार्क कर लो, मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। मतलब क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है? गॉट द पॉइंट? चलो इज इट ओके और नॉट? सो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस लाइन ऑफ एनसीईआरटी? वी से दैट मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं सबसे पहला डिफाइनिंग फीचर जो कि क्लियर कट डिफाइनिंग फीचर है, जो क्लियर कट डिफाइनिंग फीचर है, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो अब ये बताओ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से क्या समझते हो? इफ यू लुक एट दिस होल थिंग, इफ यू लुक एट दिस होल थिंग, देखो सॉरी, इफ यू लुक एट दिस होल थिंग, देखो बात को समझो। इफ आई से वन थिंग कि बेटा ये बताओ कि डिफाइनिंग फीचर क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग क्या है, सबसे पहला जो मैं ये बताऊंगा वो है सेलुलर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फटाफट लिखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, आपको याद होगा सेल्स बनाते हैं, बोलो, टिश्यू, ठीक है? टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, याद है ये? ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स का सिंपल पार्ट, ठीक है, सिंपल पार्ट। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, बहुत क्लियर मैं बता रहा हूं, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, बट मेटाबॉलिज्म यस इट इज, एनसीईआरटी के थ्रू इट इज, ठीक है? अच्छा, सेल्स बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, टिश्यू, टिश्यू के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे, वो टिश्यू मिलकर बनाएगा ऑर्गन, जैसे कि लिवर, तो लिवर के अंदर क्या क्या टिश्यू होगा, लिवर के अंदर क्या होंगे, हिपाटोसाइट्स होंगे, इसमें बाइल कैनालिकुली होगा, इसमें कैनाल्स ऑफ हेरिंग होगा, इसमें वेसल्स होंगे, इसमें वेन्स होंगे, तो वो सभी, ये लिवर है जो कि ऑर्गन है, लिवर इज ऑर्गन, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स एंड टिश्यूज हैं। अब जो लिवर है या फिर स्टमक है, इंटेस्टीन है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टीन, ये सब क्या बनाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बनाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये है ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ये बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला मैंने बनाया कि सेलर ऑर्गेनाइजेशन पहला है। सेकेंड, अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपका नीट में रैंक वन आएगा, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा ना? क्यों? बिकॉज बेसिकली आपका जो सेल्फ कॉन्शियस है, आप उसको स्टिमुलेट, स्टिमुलेशन हो गया, आपके जो सेल्फ है, सेल्फ को मन कर रहा है कि मैं इस बार नीट में अच्छा रैंक लाऊं, और मैंने आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया, हो जाएगा बस पढ़ाई करो, और इनफैक्ट सही बात है, भाई मैंने भी तो नीट निकाला था पढ़ाई करके। उस तरह से देखा जाए तो जो कॉन्शियसनेस है हमारा, हमारा जो माइंड है, हम जो कॉन्शियस हैं अपने आसपास के एनवायरमेंट को लेके, दैट कॉन्शियसनेस इज व्हाट इज अ डिफाइनिंग फीचर। पहले लिख रहा हूं कॉन्शियसनेस, फटाफट, कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, सिंपल वर्ड में अगर इसको डिफाइन करें, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, इट्स एन एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड, ठीक है, एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्स। देखो एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट, ओके,
टू एनवायरमेंट, ये होता है अगेन इट डिफाइन। दो बात, दो चीजें बिल्कुल क्लियर है, सेलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस आर द डिफाइनिंग फीचर्स, आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। बट यहां पर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, ये बताओ कि आर प्लांट्स कॉन्शियस? बताओ मुझे, आर प्लांट्स कॉन्शियस? ठीक है, आर प्लांट्स कॉन्शियस? आर कोमाटोज पीपल और कोमाटोज पीपल कॉन्शियस? आर कोमाटोज पीपल कॉन्शियस? आर प्लांट्स कॉन्शियस? ये बताओ मुझे। तो इफ यू लुक एट एनसीईआरटी, इसका भी यहां पर क्लियर कट आंसर दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, देखो जब हम बात करते हैं किसी प्लांट के बारे में, हम बात करते हैं तो प्लांट के बारे में बड़ा क्लियर कट यहां पर लिखा हुआ है कि यस प्लांट ऑल्सो आर रेस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुली। हाउ? देयर समथिंग कॉल्ड एज फोटो पीरियड। फोटो पीरियड मतलब डे लाइट में ज्यादा ग्रो करना और नाइट लाइट में कम ग्रो करना। सीजनल वेरिएशंस होते हैं ग्रोथ में। ओके, देयर सीजनल वेरिएशंस ऑफ ग्रोथ। ओके, द सीजनल वेरिएशन ऑफ ग्रोथ, राइट? सो सी व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड हियर इज, यहां पर कुछ वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, दैट वी सेंस आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। यहां देखो वर्ड क्या लिखा हुआ बेटा, इसको ठीक से अंडरलाइन करेंगे, प्लांट्स, ठीक से पढ़ना, बिकॉज ये सिंगल लाइन आएगा इस नीट में। प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पोलिटेंट्स एक्सेट्रा। तो यस, प्लांट्स ऑल्सो रेस्पॉन्ड। हाउ डू प्लांट रेस्पॉन्ड? दे आर द फीचर्स। प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट क्यूज। फिर लिखा हुआ है यहां पर फोटो पीरियड, अगेन आ गया प्लांट्स के ऊपर। तो प्लांट्स एक और चीज दिखाता है, वो है फोटो पीरियड। बेटा फोटो पीरियड क्या है? फोटो पीरियड का मैंने इमेज ही बहुत बार आपको दिखाई है, जहां पर एक प्लांट डिफरेंट तरह से ग्रो करेगा अगर उसको सनलाइट मिल रहा है या फिर सनलाइट नहीं मिल रहा। आपने भी देखा होगा आपके घर के अंदर अगर आप कोई प्लांट डाल दो तो धीरे धीरे ग्रो करता है, उसी प्लांट को आपने बाहर जाके अपने गार्डन में रख दिया वो जल्दी ग्रो करता है। ठीक है, तो इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडी एंड देयर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस, ये वर्ड आ गया, कॉन्शियसनेस बिकम्स अ डिफाइनिंग फीचर। कॉन्शियसनेस बिकम्स अ डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, इट बिकम्स अ डिफाइनिंग फीचर। अच्छा, अब आते हैं आगे यहां पर। सो नाउ यू सी कि जो भी हम इंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, दीज इंट्रैक्शन रिजल्ट इन द एमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस फिनोमेनन इज ट्रू इन द हायरार्कियल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। देयरफॉर वी कैन से दैट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिंग सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुली। सर आप हमें दो लाइन में ये बताइए कि अभी तक आप जो ने पढ़ाया है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अगर अगर हम नीट की बात करें, जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर ही इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अर्नस्ट मेयर के बारे में दो चीज याद रखनी है। नंबर वन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी ऑफ टुडे। नंबर टू, ही इज द वन हु डिफाइंड जूलॉजिकल स्पीशीज, डेफिनेशन जूलॉजिकल स्पीशीज। सेकेंड जो मैंने बोला कि इफ इफ यू आस्क मी सर वॉट आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गन, लिविंग पर्सन। डिफाइनिंग फीचर ऑफ अ लिविंग पर्सन इज अगेन टू थिंग्स, पहला कॉन्शियसनेस, दूसरा सेलर ऑर्गेनाइजेशन। अब आता है थर्ड, मेटाबॉलिज्म। यस, मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर बट नॉट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ग्रोथ नहीं है, रिप्रोडक्शन नहीं है, ये तो क्लियर हो गया, पर जो है वो ये तीन चीज है, वो ये तीन चीज है। ठीक है, चलो अब क्लियर हो गया, आगे बढ़े। अच्छा यस, अब बात आता है कि कोमाटोस पीपलिंग के बारे में, यहां ना कंफ्यूजन करके लिख दिया है कि यहां क्या लिखा हुआ है आपको, मैं यहां देखो एक लाइन लिखी हुई है कि जो पीपल यहां पर, इस वर्ड को मैं यहां बताता हूं बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसके बहुत डिफाइन करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो लेट्स अज्यूम एक पेशेंट ना हमारे आईसीयू में एडमिटेड है, मेडिकल आईसीयू में एक पेशेंट एडमिटेड है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको वेंटिलेट कर रहे हैं, मतलब बाहर में एक वेंटिलेटर है, उससे हम इसको सांस दे रहे हैं और सांस उसका बाहर आ रहा है। हम उसको कार्डियक सपोर्ट में, मतलब आइनोट्रॉप्स होते हैं कुछ ड्रग्स, जैसे एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन नाम का ड्रग्स होते हैं, जो कि हम उनको ड्रिप्स के थ्रू, आईवी ड्रिप्स के थ्रू चलाते हैं। ठीक है ना, अगर आप आईसीयू में कभी आओगे तो आपको मैं दिखा भी सकता हूं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आइनोट्रॉप से उसका हार्ट सपोर्टेड है और वेंटिलेशन से उसका लंग सपोर्टेड है, जैसे ही इसका आइनोट्रॉप्स हटा दिया जाए और इसका जो जो वेंटिलेटर है वो हटा दिया जाए, तो क्या ये पर्सन रह पाएगा? नहीं, वो मर मर जाएगा, वो नहीं रह पाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये जो सो कॉल्ड पर्सन है, ये सो कॉल्ड पर्सन है, क्या ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? मैं आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बिकॉज आपसे पूछूंगा आप खुद ही कंफ्यूज करोगे अपने आप को। मैं आपको देता हूं इसका आंसर, ये ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है।
ये एक बीच के टाइम पे है, इसे कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट, इसे कहते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में, वे है वेजिटेटिव स्टेट में। वेजिटेटिव स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर उस पर्सन में कॉन्शियसनेस नहीं है, पर बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है। प्लीज समझो, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उस पर्सन के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन अभी भी इंटैक्ट है, दो चीजें अभी भी इंटैक्ट है, हाँ थर्ड नहीं है। वो जो पर्सन है, पेशेंट है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है स्टिमुली को, बट वो फिर भी नॉन लिविंग नहीं है बेटा, वो नॉन लिविंग नहीं है, वो अभी भी लिविंग भी नहीं है, वो बीच में है। इस स्टेट को कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट, इसे कहते हैं वेजिटेटिव स्टेट। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि चलो मैं आपको ऑप्शन ही नहीं दूंगा लिविंग या नॉन लिविंग, तो बेटा नॉन लिविंग तो डाल ही नहीं सकते ना, अरे नॉन लिविंग तो प्लास्टिक है, बेड है, चेयर है, वो कैसे डाल दोगे। तो इसका आंसर, अगर आपको ये चूज करना है कि लिविंग नॉन लिविंग चूज करना है, तो चूज करोगे लिविंग, और लिविंग है तभी तो उसकी जान बचाना चाह रहे हैं, अगर लिविंग नहीं होता तो जान थोड़ी बचाते। तो इसको कंफ्यूजन मत करना, बड़ा सिंपल लॉजिक है। अब आई डोंट नो बच्चे कहां कहां से क्या क्या पढ़ के आए हैं और खूब कंफ्यूजन करते हैं, कोई कंफ्यूजन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ विल अंडरस्टैंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हियर, नंबर ऑफ स्पीशीज। बेटा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको एनसीईआरटी के नीट से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूं आपको। क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है। नंबर ऑफ स्पीशीज है 1.7 to 1.8 मिलियन, याद रहेगा, नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, इसको लिख लो डायरी में और एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के जाओगे। बताओ नंबर ऑफ स्पीशीज है 1.7 to 1.8 मिलियन, इसलिए कहते हैं बायोडायवर्सिटी। अब देखो किंगडम बहुत सारे हैं, मोनरा है, प्रोटेस्टा है, फंजाई है, एनिमेलिया है, प्लांटी है, बट इन पांचों में सबसे ज्यादा कौन सा है, मोनरा है। मैक्सिमम डायवर्सिटी जो होती है वो होती है मोनरा की, मैक्सिमम होती है। ओके, बायोडायवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी इज इन मोनेरा। ठीक है, ये भी बड़ा वर्ड लिख देता हूं, मैक्सिमम जो होता है वो होता है किंगडम मोनेरा का, मैक्सिमम जो होता है वो होता है किंगडम मोनेरा का। अच्छा अब यहां पर आते हैं कुछ टर्म्स में। देखो अब मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखने वाला हूं, बच्चों प्लीज इसको ठीक से लिख लेना, अगर आपने लिखा हुआ है बहुत अच्छा, सुनो मेरी बात। अगेन इतना कंफ्यूजन करते हो, ध्यान सुनो मेरी बात। टर्म से पहला आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन इसको लिखो पहला, दो लाइन छोड़ दो, फिर लिखो नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर, एंड थर्ड है क्लासिफिकेशन। मैं एग्जैक्टली आपको डेफिनेशन दे रहा हूं ताकि आपसे नीट का सवाल बन जाए, ताकि आपसे नीट का सवाल बन जाए, ठीक है, नीट का सवाल बन जाए। चलो अब समझो, अब समझो, देखो अगर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, तो लेट्स अज्यूम कि कोई एक आपने आप अपने गार्डन में गए और वहां पर देखा एक मैंगो का ट्री, आपको पता है इसे कहते हैं मैग्निफेरा इंडिका। तो मैग्निफेरा इंडिका जो आपने नाम दिया इस मैंगो ट्री को, तो कैसे दिया, सबसे पहले आपने उस ट्री को आइडेंटिफाई किया, ओके आइडेंटिफाई किया, फिर आपने उसको क्लासिफाई किया कि हाँ ये तो एनिमेलिया है, ठीक है या एनिमेलिया है। उसके बाद हमने ये देखा कि इसका नाम है मैग्निफेरा इंडिका। मतलब किसी भी चीज को अगर आपको पहचानना है तो तीन चीजें करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पता है मैग्निफेरा इंडिका वो जो पेड़ है वो दिखता कैसे है, बिकॉज यू नो द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन आपको पता है उस पेड़ का। ध्यान रखना कि जब भी क्वेश्चन आएगा आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, तो इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, लिखो इसको, नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, याद रखना, करेक्ट डिस्क्रिप्शन, करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये है आइडेंटिफिकेशन, याद रहेगा। सेकेंड, सेकेंड है नोमनक्लेचर, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो आम का पेड़ है ये है मैग्निफेरा इंडिका, ये है मैग्निफेरा इंडिका, तो मैग्निफेरा इंडिका जो नाम आया वो कैसे आया, बिकॉज मैंने उसको नाम दिया है, पहले उसको नाम दिया है, तो नोमनक्लेचर जो है वो क्या है, वो है नेमिंग, वो है नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज नोमनक्लेचर, दैट इज नोमनक्लेचर, मैं नाम कर दिया उसका। अब देखो मैग्निफेरा इंडिका ये बेसिकली एक प्लांटी किंगडम में आता है, मतलब अब कहीं ना कहीं उसके मैंने, मैग्निफेरा क्या है जीनस है और इंडिका क्या है स्पीशीज है, वो स्पीशीज है ना। तो ये जो मैग्निफेरा इंडिका है ये जो है कहीं से कहीं इसका जीनस और स्पीशीज मैंने क्लासिफाई किया होगा तभी तो आया है। तो मतलब क्लासिफिकेशन मतलब होता है ग्रुपिंग, ग्रुपिंग इन टू
कन्वीनियंट, ग्रुपिंग इंटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ग्रुपिंग इंटू कॉन्वीनियंट कैटेगरीज इज वॉट इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन, इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। हाँ, इन लिन हम बाद में बात करेंगे, लिन भी क्यों है, बट मैं बस बेसिक बता एग्जाम्पल दे रहा था, मैग्नीफायर इंडिका लिन, यस ठीक है। अच्छा, तो आइडेंटिफिकेशन, नोमक्लेचर, क्लासिफिकेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नोमक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ओके, तीन चीज हो गई। अब ये तीनों चीज चाहिए आपको पढ़ने के लिए क्या, बायोडायवर्सिटी। जो हमने बायोडायवर्सिटी बोला, इतना बायोडायवर्सिटी है, तो इन सभी, दीज ऑल अदर टूल्स, प्लीज अंडरस्टैंड, दे आर टूल्स टू स्टडी द ह्यूज बायोडायवर्सिटी। इतने सारे मिलियंस जो आपने बताया नंबर में, देर अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स, 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म, उसको पढ़ेंगे कैसे, बाय दीज थ्री टूल्स, ठीक है, बाय दीज थ्री टूल्स। अब क्या होता है कि सभी लोगों का नाम जो है, नोमक्लेचर जो है, उसको देने वाले एक बॉडी होते हैं, तो तीन बॉडी होती हैं जो इनको नाम देती हैं। अगर वो प्लांट है तो उसको नाम देगा इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटनिकल नोमक्लेचर, अगर वो एनिमल है उसको नाम देगा इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमक्लेचर, और अगर वो वायरस है, जैसे कि कोरोना वायरस 19, कोविड 19 नाम आया, किसने दिया होगा, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरोलॉजिकल नोमक्लेचर। क्लियर हुआ? तो तीन जो है इसमें नाम देगा, तीन इसमें नाम देगा बेटा। देखो जो नोमक्लेचर है, प्लीज समझो, ये जो नोमक्लेचर है ना, ये वाला ऊपर जो नहीं लिखा, ये नोमक्लेचर, नोमक्लेचर देने वाला बॉडी, ऐसा नहीं कि जैसे मेरा नाम किसने दिया, मेरे फादर मदर ने दिया, मेरे पड़ोसी ने दिया नहीं मेरा नाम, तो ये जो नाम होता है ये कौन देता है, कुछ इंटरनेशनल बॉडीज होते हैं जो कि आपको नाम रखना पड़ेगा। पहला है ICBN, ICZN और ICVN, ठीक है, क्या नाम है इसका, इंटरनेशनल कोड, ओके, ऑफ इंटरनेशनल कोड, नॉट ऑफ, सॉरी, फॉर इंटरनेशनल कोड, फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर वायरोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तीन सिंपल टर्म्स है, फटाफट याद कर लेना, ठीक है, ओके। ये तीनों याद रखना ना, ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसको, ये जो तीन बॉडीज हैं इन्होंने दिया नाम, पर नाम देने का तरीका होता है, नाम देने का तरीका होता है, नाम देने का तरीका है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, बताओगे मुझे, मुझे बताओ चैट बॉक्स में, दैट हु गेव बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हु गेव दिस टर्म बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, नाम देना, नोमेनक्लेचर, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, आंसर है कैरोलस, कैरोलस, ठीक है, कैरोलस लिनस, कैरोलस लिनस, कैरोलस लिनस, ठीक है, कैरोलस लिनस। बेटा पूरा नाम बताओ ना, लिनस बोलने से थोड़ी होगा, कैरोलस लिनस, ठीक है, बिकॉज सामने कुछ और नाम डाल दिया तो कैसे बताओगे, ठीक है ना, कैरोलस लिनस। अच्छा, नाम देने का तरीका जो है वो चार चीजें होती है, पहला लैटिन लैंग्वेज, और इसको लिखते हैं इटैलिक्स में, चार चीज सुन लो, पहले लैटिन लैंग्वेज होगा, लिखेंगे इटैलिक्स में, पहले लिखेंगे जीनस, फिर लिखेंगे स्पीशीज एपिथेट, फिर लिखेंगे स्पीशीज एपिथेट। अगर हम इसको हैंड रिटन कर, अगर प्रिंट करें तो कोई बात नहीं, इफ यू आर राइटिंग दिस विद हैंड यू हैव टू अंडरलाइन दिस बोथ ऑफ देम सेपरेटली, और फर्स्ट जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर होगा कैपिटल, और जो स्पीशीज है उसका फर्स्ट लेटर होगा स्मॉल, ठीक है, फिर लिखोगे इसका ऑथर, जैसे आप बता रहे थे ना मुझे कि सर मैग्निफाइर इंडिका पूरा नाम तो है नहीं, बिल्कुल सही, मैग्निफाइर इंडिका लिन पूरा नाम है, लिन, LIN, कहां से आया लिन, लिनस से आया लिन, लिनस से आया लिन, ठीक है। अच्छा, अब समझो बात को, अब समझो बात को, कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज होता है, तो आप बोलते हो सर लैटिन लैंग्वेज डेड लैंग्वेज है, ठीक है, एक सिंपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ये डेड लैंग्वेज मतलब क्या होता है, लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, क्यों, व्हाट इज डेड लैंग्वेज, मरा हुआ है,
मरे हुए लोग बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज, इसलिए डेड लैंग्वेज है क्या? क्या मतलब है इस डेड लैंग्वेज का? ठीक है, कुछ चार चीजें इंपॉर्टेंट है, वापस रिविजन कराता हूं, जो लोगों ने नहीं पढ़ा है ध्यान से सुनो। इट शुड बी रिटन, फटाफट लिख देता हूं, इनफैक्ट थोड़ा टाइम भी बचेगा मेरा भी। लैटिन लैंग्वेज एंड शुड रिटन इन इटैलिक्स। ओके, इटैलिक्स फर्स्ट यू राइट जीनस, देन यू राइट स्पीशीज एपिथेट। ठीक है, उसके बाद थर्ड, इफ यू आर राइटिंग विद हैंड राइटिंग, हैंड रिटन अगर कर रहे हो, देन यू हैव टू अंडरलाइन देम सेपरेटली, अंडरलाइन देम सेपरेटली, ऐसे और फिर ऐसे, कोई कॉमा कुछ नहीं रहेगा, बस ऐसे रहेगा। फोर्थ, जो जीनस है और जो स्पीशीज है, ठीक है, तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर है ये रहेगा कैपिटल और ये रहेगा स्मॉल। ठीक है, वो रहेगा स्मॉल। उसके बाद फिफ्थ है, इसका आपको ऑथर भी लिखना पड़ेगा, ऑथर लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैग्निफेरा इंडिका लिन, मैग्निफेरा इंडिका लिन, ठीक है, यस दैट एग्जैक्टली। मतलब अगर वी से दैट लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज इसका मतलब ये अब कोई नहीं बोलता, कोई नो वन स्पीक्स, नो वन स्पीक्स दिस, देयर इज नो मॉडिफिकेशन, नो मॉडिफिकेशन। जो एक बार ये लैंग्वेज बन गया अब वो चेंज नहीं होगा। सेकेंडली, नो कंट्री स्पीक्स अ लैटिन लैंग्वेज आज के दिन में। यस, बहुत सारे लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुए हैं, जैसे फ्रेंच है, यूरोपियन है, यूरो है ना, ये सब इंग्लिश है, ये सारे लैटिन से डिराइव हुए हैं, बट आज के दिन कोई लैटिन लैंग्वेज बोलता नहीं, इसीलिए कहते हैं डेड लैंग्वेज। तो कहते हैं इसको इट्स अ डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज बोलने का रीजन ये नहीं है कि वो मरे हुए लोग बोलते हैं, इसका रीजन ये है कि वो नो वन स्पीक्स दिस लेटर, कोई बोलता नहीं बेटा, और दूसरा कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन इसमें नहीं है, इज नो मॉडिफिकेशन ये। ठीक है, अब ये बताओ, क्या आपने ऐसा कोई स्पीशीज, जीनस स्पीशीज नाम सुना है जिसका जीनस भी सेम है और स्पीशीज भी सेम है? तो व्हाट डू यू कॉल दैट थिंग व्हिच हैज द सेम जीनस नेम आल्सो और स्पीशीज नेम आल्सो? व्हाट डू यू कॉल दैट? व्हाट डू यू कॉल दैट व्हिच हैज द सेम जीनस एंड स्पीशीज नेम आल्सो? एक हिंट है, हिंट मैं दे रहा हूं आपको, ये दिखता, ये है वो, दिस इज अ हिंट। व्हाट इज दिस? इट्स अ, यस इट इज कॉल्ड एज टोटोनिम्स। ओके, इसको कहते हैं टोटोनिम्स, इसे कहते हैं टोटोनिम्स। सो इफ यू फाइंड, देखो इफ अगेन ये पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, इफ द जेनरिक नेम, जेनरिक नेम, जेनरिक नेम एंड स्पीशीज नेम, स्पीशीज नेम आर सेम, आर सेम, इसको नाम दिया जाता है TAUTO, टोटोनिम्स। जैसे कि जो मैंने आपको मछली दिखाई थी उसका नाम है कैटला, अब कतला बोलो या कैटला बोलो आपकी मर्जी, कैटला। ठीक है, कैटला 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 कैटला, इट्स अ टोटोनिम, कैटला कैटला इट्स अ टोटोनिम, कैटला कैटला इट्स अ टोटोनिम। ठीक है, अच्छा अब वापस हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। ये पूरा हमने पढ़ लिया नोमेनक्लेचर, अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, समझ में आया? जब मैं गया मैग्निफेरा इंडिका लिन के पास, मतलब आम के पेड़ के पास, तो मैंने आइडेंटिफाई किया, बिकॉज मुझे उसके फीचर्स याद थे तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर मैंने क्या किया, उसको नाम दिया मैग्निफेरा इंडिका लिन। अब मुझे क्लासिफाई भी करना है, ये मैग्निफेरा इंडिका लिन कहाँ लाई करेगा, उसे कहेंगे क्लासिफिकेशन, उसको ना क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफाई करने के लिए हमें करना पड़ेगा एक वर्ड यूज, उसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, समझो। वापस मैं यहां लिखा था क्लासिफिकेशन, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? दिस क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, जहां से हमें वो जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट है उसको हम ढूंढ पाएंगे, उसको हम ढूंढ पाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखो, मतलब ये हुआ कि अब हम बात करेंगे व्हाट इज टैक्सोनॉमी। अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एमसीक्यू आ सकता है, देखो इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये ना कंफ्यूजन मत करना। चार टर्म मैंने आपको बता दिए अभी तक, चार टर्म मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। फर्स्ट टर्म था करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन।
सेकंड मैंने आपको बताया नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये है नोमनक्लेचर। नेमिंग तो नाम से नाम याद है, एन से एन। थर्ड है ग्रुपिंग इनटू करंट कैटेगरीज, ये है क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा हूं द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्या है। अब मैं आपको बोल रहा हूं प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वो क्या है, इट इज यस टैक्सोनॉमी। याद रहेगा ये तीन, ये चार जो है ना, आपको लग रहा भी आसान है, पर जब एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा तो आपको सिर्फ ये क्लास ही याद आएगी। तो ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं करना। ओके चलो, अब अच्छा आप लोग जितने लोग ये देख रहे हैं फटाफट इस वीडियो को पहले लाइक करो, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लाइक जरूर कर दो और शेयर भी करो ताकि यार बाकी बच्चे भी इसको देख पाएंगे, है ना। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी में यू बेसिकली क्लासीफाई इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज एंड दोस कैटेगरीज आर कॉल्ड एज टैक्सोन। ओके, प्रोसेस क्लासिफिकेशन वेयर टैक्सोनॉमी क्या है, क्लासिफिकेशन। एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब यू आर क्लासिफाइड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। कन्वीनियंट मतलब जो मुझे अच्छा लग रहा है, कन्वीनियंट जो मेरे लिए आरामदायक है, कैटेगोरी इसी को ना कहते हैं टैक्सा। ये जो कैटेगरी है ना बेटा, कैटेगरी इसे कहते हैं टैक्सा। ठीक है, तो क्लासिफाई करेंगे हम टैक्सा में। अच्छा इसका बेसिस क्या होगा, अगेन सेम, सबसे पहले मैं मैग्नीफाई इंडिका लिन को क्या किया बेटा, आइडेंटिफाई किया, फिर इसको नाम दिया। अब कर रहा हूं क्लासिफिकेशन, उसके पहले क्या है कैरेक्टराइजेशन भी होगा उसका, बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने पहले दे दिया था, ठीक है ना। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, और नोमेनक्लेचर। ठीक है, अच्छा ये जो पूरी साइंस बनाई गई है, मतलब चार चीजें है ना, इट इज बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन फोर थिंग्स हो गया ना, बेस्ड ऑन फोर थिंग्स हो गया। आप याद मत करो, आप बस मैग्नीफेरा इंडिका लिन मतलब आम के पेड़ के सामने खड़े हो जाओ और क्या करो, सबसे पहले डिस्क्राइब करो, ठीक है ना, मतलब कैरेक्टराइज करो, कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्या किया आपने, आपने क्लासिफाई किया तो क्लासिफिकेशन, और फिर क्या किया नाम दे दिया उसका, नोमेनक्लेचर। तो ऑब्वियसली ये जो चार चीज बनाया होगा वो किसी ने सोच समझ के बनाया होगा, तो जो साइंस इससे डील करता है, ये जो चार चीजें मैंने बताया ना, ये चार चीजों का जो साइंस है, द साइंस विच डील्स विद दीज फोर थिंग्स, द साइंस विच डील्स विद दीज फोर थिंग्स, द साइंस विच डील्स विद दीज फोर थिंग्स, व्हाट इज दैट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टेमैटिक्स। इट इज कॉल्ड एज सिस्टेमैटिक्स, जो कि अगेन वो डेड लैंग्वेज लैटिन से डिस्क्राइब हुआ है, इसका इसका नाम लैटिन में उसका नाम था सिस्टेमा। तो इसका तो साइंस है बेटा, द साइंस ऑफ दिस इज कॉल्ड एज, लिखो सिस्टेमैटिक्स। ओके, ये फटाफट आपका ना रिविजन बन जाएगा आपका, एक घंटा होगा ना, एक घंटा हमने पढ़ेंगे आज, पर आपको बता रहा हूं 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर पाओगे, इसलिए इसको लिख लेना जरूर, ठीक है ना, सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, सिस्टेमैटिक्स, इतने सारे आलसी बच्चे हैं अभी तक उसको लाइक नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलो देखो, सिस्टेमैटिक्स, सिस्टेमैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद, इट्स अ ब्रांच, सिस्टेमैटिक्स क्या है बेटा, अगेन लिख लो इसको, इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ओबियसली बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं हम तो, या तो ये करोगे नहीं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। ओके, विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड नोमन क्लेचर। ठीक है, दो चीजों ये दोनों याद रखना, भूलना नहीं, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर से डील करने वाला साइंस का नाम है सिस्टेमैटिक्स। ठीक है, ये सबसे पहले किसने दिया था, हु वॉज द पर्सन हु कॉइंड एंड फर्स्ट स्टडीड सिस्टेमैटिक्स, लैटिन टर्म है सिस्टमा। हु वॉज द, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, हु वॉज द पर्सन हु फर्स्ट स्टडीड सिस्टेमैटिक्स एंड वॉट वॉज द नेम ऑफ हिज बुक, वॉट वॉज द नेम ऑफ हिज बुक, बुक का नाम बताएंगे आप मुझे और उस पर्सन का नाम बताएंगे। यस, पर्सन का नाम सही बोला होगा आपने, यस सही बोल रहे हो, कैरलस लिनस। ठीक है, लिनस, और बुक का नाम बताइए, बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी, तो ये दोनों अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी, यस। अगेन बेटा हाफ क्यों बोल रहे हो, लिनस क्यों बोल रहे हो, कैरोलस लिनस बोलो ना, अगर मान लो एमसीक्यू आया और उसमें आगे आपको आ गया रॉबर्ट लिनस, नाम आ गया कैरोल लिनस, नाम आ गया मान लीजिए कैट लिनस, तो याद नहीं रहेगा ना, पूरा नाम बोलो कैरोलस लिनस। ठीक है, कैरोलस लिनस, और नाम है सिस्टमा नेचुरी। ओके, सिस्टमा नेचुरी। अच्छा, हैव यू नो, डू यू नो एनीथिंग विच इज कॉल्ड एज
नियो सिस्टमैटिक्स, क्या आपने ये नाम सुना है? नियो सिस्टमैटिक्स, नियो नियो सिस्टेमैटिक्स, अगर आपने सुना है तो ये बताओगे मुझे हु वाज अ पर्सन जो कि इस इसके ऊपर काम किया इसने, हु वाज अ पर्सन हु हैज वर्कड ऑन दिस थिंग। द आंसर, राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आंसर इज जूलियन हक्सले। जूलियन, ओके, जूलियन हक्सले, जूलियन हक्सले ने काम किया है नियो सिस्टमैटिक्स के ऊपर। ओके, नियो सिस्टमैटिक्स के ऊपर जूलियन हक्सले ने काम किया है, नियो सिस्टमैटिक्स के ऊपर। व्हाट इज नियो सिस्टमैटिक्स? व्हेनेवर यू स्टडी अ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो बनता है नियो सिस्टमैटिक्स। वापस बता रहा हूं मैं आपको, इंटर रिलेशनशिप, इंटर रिलेशन अमंग, इंटर रिलेशन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये है नियो सिस्टमैटिक्स, ये है नियो सिस्टमैटिक्स, इंटर रिलेशनशिप अमंग अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो है नियो सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अच्छा, हर जो कैटेगरी है उसको अपने नाम दिया था, टैक्सा या फिर टैक्सॉन, टैक्सॉन, सो आप कह सकते हो। यहां पर जो मैंने बोल रहा था इसको टैक्सा, तो ये टैक्सा है, मतलब टैक्सॉन सिंगुलर। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज कैटेगरी, ऑल्सो कॉल्ड एज रैंक। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज है, टैक्सॉन, कैटेगरी और रैंक, टैक्सॉन, कैटेगरी और रैंक, टैक्सॉन, कैटेगरी और रैंक, ये सब कुछ एक ही चीज है। ओके, ये एक ही चीज है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो हम बात करेंगे कि ये जो हायरार्की लेवल है, हायरार्की समझते हो, सबसे नीचे कौन, सबसे ऊपर कौन, सबसे नीचे कौन, सबसे ऊपर कौन, वो कहां पर हो? देखो, अगर आप सिंपल वर्ड में समझोगे, मान लो कि एक, जैसे अस्सुम कि देयर इज अ, ये है मान लो किंगडम, ठीक है ना। अब किंगडम में देखा जाए तो बहुत सारे होंगे फाइलम, तो मान लो ये किंगडम है तो होंगे, देखो ये फाइलम, ये देखो ये फाइलम है, ऐसे बनाना मत समझो बात को। अब अगर आप एक फाइलम लोगे, ऐसे मान लो ये एक फाइलम है अगेन आपके लिए, तो इस फाइलम के अंदर अगेन बहुत सारे होंगे क्लास, ये सब क्लास है। ठीक है, तो ये फाइलम है और ये जो अगर इसको बढ़ाओगे बाहर बाहर ऐसे, तो ये होगा क्लास। ठीक है, ये होगा क्लास। ठीक है, अच्छा, क्लास के नीचे होगा, इसमें बहुत सारे ऑर्डर होंगे, तो इससे जो बाहर निकल के आएगा ऐसा, ये होगा ऑर्डर, ये होगा ऑर्डर। ऑर्डर में जो होते हैं, ऑर्डर के अंदर बहुत सारे होंगे, बहुत सारे होंगे फैमिली, ऑर्डर के अंदर बहुत सारे होंगे फैमिली, तो वो ऐसे बनाएंगे। इसको बनाओ मत समझो बात को, अगर आप याद हो तो इतना देखना जरूरत भी नहीं है, बस मैं आपको क्लास कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ठीक है ना। फैमिली, फैमिली के अंदर होंगे बहुत सारे जीनस, फैमिली के अंदर होंगे बहुत सारे जीनस, ऐसे, ये है जीनस। और जीनस के अंदर होंगे बहुत सारे स्पीशीज, इसके अंदर होंगे बहुत सारे स्पीशीज, ये होंगे बहुत सारे स्पीशीज। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका मैंने आपको अपने क्लास में बताया था, किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। अगर आपको किंग फिलिप्स याद नहीं हो रहा है, आपको कोई हिंदी याद करना है तो याद कर लेना, कंगना, कंगना रनौत बड़ा फेमस हो रही है, कंगना फिर केम ओवर फॉर गुड सूप, कंगना फिर केम ओवर फॉर गुड सूप, ये आपकी मर्जी, आप कैसे याद करो भाई। मुझे तो याद हुआ था किंग फिलिप्स के नाम से, आपको कंगना रनौत को याद करना, आप उसको याद कर लो। तो क्या है मेरे लिए, क्या है, किंग मतलब किंगडम, फिलिप्स, ओके, फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, याद, मतलब क्या हुआ, सबसे ऊपर है किंगडम, सबसे ऊपर है किंगडम, किंगडम किसमें कहलाएगा बेटा, एनिमल्स में कहलाएगा, बट डिवीजन किसमें कहलाएगा, डिवीजन कहलाएगा प्लांट्स में, तो किंगडम बोलो या डिवीजन बोलो, फिर क्या है, फिर क्या है, सॉरी, ओ किंगडम है, ठीक है ना, किंगडम है, उसके नीचे क्या है, फाइलम है, वेरी सॉरी, ठीक है ना, फाइलम है, फाइलम होगा एनिमल्स में या फिर डिवीजन होगा प्लांट्स में, डिवीजन होगा प्लांट्स में, ठीक है, प्लांट्स है और ये एनिमल में होगा, ठीक है ना, ये यहां पर नहीं लिख के मैं यहां लिखना चाह रहा था, ठीक है, इसको आप
चलो अब सही हो गया। हाँ अब क्या है, केम, के मतलब क्लास, ओवर मतलब ऑर्डर, एफ मतलब फैमिली, जी मतलब जीनस और एस मतलब स्पीशीज। ठीक है, तो किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। अब आपकी मर्जी, आपको क्या याद करना है, आप याद कर सकते हो कंगना फिर केम फॉर गुड सूप, बट आपको जो याद करना है वैसे याद करो। देखो कुछ बच्चे एक और बता रहे हैं कि प्लांट्स क्लीन और फैमिली केयर सिक, जो भी आपको याद करना है वैसे याद कर सकते हो। मुझे ऐसे याद हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं, किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। अगर आपको बिल्कुल याद नहीं हुआ है तो याद करें ना, कंगना फिर केम ओवर फॉर गुड सूप। कंगना रनौत बड़ा फेमस हो रही है, उसके नाम से आप याद कर लेना। ठीक है, अब समझो इसमें क्या क्या याद करना है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझो, जैसे जैसे आप इसके ऊपर जाते हो, द वे यू गो अप, ये जो ऊपर जा रहे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, द कॉमन कैरेक्टर्स विल डिक्रीज बट द नंबर ऑफ द आई से ऑर्गेनिजम्स विल इंक्रीज। ठीक है, मतलब जो कॉमन कैरेक्टर्स है, जो कॉमन फीचर्स हैं, दे आर मैक्सिमम हियर एंड दे आर मिनिमम हियर। ठीक है, मैक्सिमम होते हैं कॉमन कैरेक्टर स्पीशीज में और मिनिमम होते हैं कॉमन कैरेक्टर इन द स्पीशीज में। याद रहेगा, मैक्सिमम है कहां, मैक्सिमम है स्पीशीज में, मिनिमम है इन द किंगडम। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर कॉमन फीचर्स एंड दे कैन पिक एनी फोर। वो कोई भी चार पिक कर सकते हैं, जैसे कि क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज और जीनस। तो क्या होगा आंसर, स्पीशीज। अगर ऑप्शन आ रहा है किंगडम, क्लास, ऑर्डर और जीनस, तो क्या होगा आंसर, जीनस। तो जो जितना नीचे जाएगा वो उतना कॉमन फीचर्स लेके जाएगा। ठीक है, और जितना ऊपर जाओगे उसके कॉमन फीचर्स उतने कम होते जाएंगे। ठीक है, पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स या फीचर्स किस में होंगे, वो होंगे स्पीशीज में। इसीलिए डिफाइन करते हैं स्पीशीज का डेफिनेशन, देखो क्या है, स्पीशीज डिफाइंड एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कैरेक्टर्स को कहते हैं स्पीशीज। ओके, द मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कैरेक्टर्स को कहते हैं स्पीशीज। ठीक है, इस स्पीशीज क्या होता है, स्पीशीज एक तरह का सिंपैट्रिक पॉपुलेशन होता है। मतलब देखो, जब इवोल्यूशन को रिविजन कराएंगे, आपको मैं एक बात बताऊंगा कि कोई भी दो क्रिएचर्स स्पीशीज में तब कहलाते हैं अगर वो आपस में रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, मतलब समझो, अगर मान लो आइलैंड नंबर वन में एक एनिमल है और आइलैंड नंबर टू में दूसरा एनिमल है, ये दोनों आइलैंड के जो जो स्पीशीज हैं, अगर मान लो ये दोनों सेम स्पीशीज के हैं, तो दे कैन इंटर रिप्रोड्यूस। इफ टू ऑफ द क्रिएचर्स दे कैन नॉट इंटर रिप्रोड्यूस, दे आर नॉट कॉल्ड एज द सेम स्पीशीज। तो सेम स्पीशीज होने के लिए दे शुड रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ, दे शुड रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्फ। अगेन समझो, दे कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली अमंग देमसेल्फ, ओनली देन इट इज कॉल्ड एज क्या होगा, स्पीशीज। तो अगेन मैं इतना कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको, बड़ा सिंपल मैं समझाऊंगा। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर कैरेक्टर्स आते हैं वापस एनसीईआरटी में और लाइन टू लाइन वापस पढ़ना शुरू करते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये सब आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, एक ही लाइन यहां पर आपको पढ़ा चुका हूं, एक ही लाइन पढ़ा चुका हूं, ये डेफिनेशन यहां से एकदम बिल्कुल निचोड़ निचोड़ के निकाला है आपको और लिखवा चुका हूं। याद रखना, चार डेफिनेशन अगर आप भूलोगे तो आपने ये क्लास नहीं करी है, ध्यान रखना आपने टाइम वेस्ट किया है। वो चार डेफिनेशन क्या क्या है बेटा, समझो बात को। मैंने आपको डिफाइन किया आपके लिए व्हाट इज, क्या क्या डिफाइन किया आपके लिए, आपके लिए डिफाइन किया है मैंने व्हाट इज बेसिकली आइडेंटिफिकेशन, नोमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नोमनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। और मैंने डिफाइन किया आपके लिए व्हाट इज सिस्टमैटिक्स, और डिफाइन किया आपके लिए व्हाट इज टैक्सोनॉमी, और डिफाइन किया आपके लिए व्हाट इज टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ये सब कुछ आगे डिफाइन किया है मैंने। ठीक है, ये सब कुछ याद रखना। सिंपैट्रिक एलोपैथिक स्पीशीज बेटा वो हम बाद में पढ़ते तो ठीक रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, स्पीशीज, ये सब मैं आपको बता चुका हूं, ये सब कुछ बता चुका हूं आपको। यहां पर टैक्सा और हायरार्की सब कुछ बता चुका हूं आपको, और यहां पर आता है स्पीशीज। तो स्पीशीज के बारे में जो याद रखना है वो याद रखो। देखो, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसिडर, यहां पर एक मॉडल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज, अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज इज कॉल्ड स्पीशीज। ठीक है, ओके, नाउ यू सी,
Each genus may have more than one species epithets representing different organisms but having morphologically similarities. जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में यहां पर लिखा हुआ है अबाउट द पैंथेरा. पैंथेरा हैज अनदर स्पीशीज एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलानम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोजेना. मैं आपको इसको बड़े इजी करके समझाता हूं थोड़ी देर में. ह्यूमन बींग्स ऑल्सो बिलोंग टू स्पीशीज कॉल्ड सेपियंस विच बिलोंग टू जीनस कॉल्ड होमो. द साइंटिफिक नेम फॉर द ह्यूमन बींग देयरफॉर इज होमो सेपियंस. साइंटिफिक नेम होगा होमो सेपियंस. यू ऑल नो अबाउट दिस, इसलिए मैं इस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं. आगे बढ़ते हैं अबाउट जीनस. जीनस क्या है, जीनस है कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रेड स्पीशीज विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. अब यहां पर होता है कंफ्यूजन. लास्ट टाइम जब मैं क्लास ले रहा था, अगेन ये कंफ्यूजन हुआ था कि सर अगर क्वेश्चन है विच हैज मोर कॉमन कैरेक्टर्स, जीनस या स्पीशीज, आंसर उसका होगा स्पीशीज. बट यहां पर एक वर्ड देखो कैसे लिखा हुआ है, पर घुमा के वर्ड लिखी हुई है. जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज. ध्यान से पढ़ना मुझे, ठीक है ना, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन. तो अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को सिर्फ यहां तक पढ़ोगे तो लगेगा ऐसे जैसे जीनस में ज्यादा कॉमन, जीनस हैज मोर एंड मोर कॉमन फीचर्स. बट इफ यू लुक एट द फुल लाइन स्टेट्स इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनरा. जैसे एग्जांपल देखो, लेट्स एन एग्जांपल द जीनस इज पैंथेरा, ठीक है, एंड वन जीनस इज फेलिस. जीनस ऑफ पैंथेरा हैज थ्री स्पीशीज. ओके, थ्री स्पीशीज. लियो, दैट मींस लियो इज लायन, मतलब पैंथरा लियो इज लायन. पैंथरा पार्डस इज लेपर्ड. पैंथरा टिग्रिस इज टाइगर, ठीक है. नो व्हाट डज इट सेज, इट ट्राइज टू सेज द ऑल द लायंस विल हैव सिमिलर फीचर्स, ऑल द लेपर्ड विल हैव सिमिलर फीचर्स एंड ऑल द टाइगर विल हैव सिमिलर फीचर्स. बट लायन लेपर्ड एंड टाइगर दे हैव सम कॉमन फीचर्स एंड देयरफॉर दे आर बीइंग ग्रुप्ड. इसीलिए जो ग्रुप किया जा रहा है इनटू अ जीनस कॉल्ड एज पैंथेरा. बट स्टिल आई टेल यू वन थिंग, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है सो बस मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में आता है विच हैज मोर कॉमन फीचर्स, कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे. विच हैज मोर कॉमन फीचर्स, जीनस और स्पीशीज, द आंसर विल बी स्पीशीज, नॉट जीनस, नॉट जीनस, ठीक है, नॉट जीनस, ठीक है, नॉट जीनस, ओके, नॉट जीनस. सो एज यू गो अप इनटू हायरकी, एज यू गो अप इनटू हायरकी द कॉमन फीचर्स डिक्रीजेस. ये सिंपल लाइन याद रखना, एज यू गो अप इनटू द हायरकी द कॉमन फीचर्स विल डिक्रीज, द कॉमन फीचर्स विल डिक्रीज, ठीक है. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, लेट्स नाउ सी. सपोज अ जीनस हैज ओनली वन स्पीशीज, समझो आई एम गिविंग यू सम मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. इफ इफ सॉरी इफ जीनस हैज वन स्पीशीज ओनली, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोटिपिक. मोनोटिपिक इफ जीनस हैज मोर देन इक्वल टू वन स्पीशीज, देन यू कॉल दिस होल थिंग एज पॉलीटिपिक. पॉलीटिपिक, देन यू कॉल दिस होल थिंग एज पॉलीटिपिक, ठीक है. मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक आर सेपरेट थिंग्स, दे आर सेपरेट थिंग. जीनस विद अ सिंगल स्पीशीज इज मोनोटिपिक एंड जीनस विद ठीक है, जीनस विद मोर देन वन स्पीशीज इज पॉलीटिपिक, इज पॉलीटिपिक. कंफ्यूजन मत नहीं करना है, ठीक है. अच्छा अगेन मैं बता रहा हूं, एज यू गो अप इनटू द हायरार्की द कॉमन फीचर्स विल डिक्रीज. इसीलिए द मैक्सिमम कॉमन फीचर्स आर विद स्पीशीज एंड द लीस्ट कॉमन फीचर्स विद किंगडम. लीस्ट कॉमन फीचर्स विद किंगडम. ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल एज टू हाउ इट इज क्लासिफाइड. मैं बड़ा सिंपल करके बता रहा हूं, द एग्जांपल विच इज गिवन इन एनसीईआरटी मे कंफ्यूज यू, तो मैं आपको बड़ा सिंपल करके बता रहा हूं. ये तो कटला करता था. यहां देखो, देखो सी हियर, इसको मैं पहले से बना के रखा हूं आपके लिए ताकि हम फटाफट इसको रिवाइज कर पाए. सी दिस, देखो, इफ द किंगडम इज एनिमेलिया, याद है कंगना और किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप, ठीक है. नाउ सी, एनिमेलिया इज द किंगडम,
which has many phylum. One of the phylum is Chordata, which has a notochord. Which has a notochord. ठीक है, it has a notochord. याद रहेगा? अच्छा, फिर देखो क्या हो रहा है. This Chordata has many classes like mammalia, fishes, amphibians, reptiles and birds. ध्यान से सुनना मुझे, ठीक है? The mammalia has many orders. One of the order is Carnivora. One of the order is Carnivora. Carnivora has various families. One of the families Felidae. Felidae. ठीक है? And Canidae. Felidae has various genus like Panthera and Felis. ठीक है? Now Panthera, this Panthera, देखो this Panthera, it has various species. What are the fish? What are the ठीक है? What are the species of Panthera? The three species of Panthera. The three species of Panthera and they are Leo, मतलब lion, Pardus, leopard and Tigris, tiger. Clear हो गया? ठीक है? Now देखो, जितने भी lion हैं, उसमें common features होंगे. जितने भी leopard हैं, वो सारे common होंगे. जितने भी tiger हैं, वो भी common होंगे. ठीक है? But all of these three have some common features because of which they belong to the genus Panthera. ठीक है? But अगर आपसे ये पूछा जाए कि जितने भी lion दिख रहे हैं आपको, ये lion ज्यादा common है या lion और leopard में ज्यादा common features है, तो obviously जितने भी lion है उसमें common features है ना सारे. But अगर lion और leopard में कुछ ऐसे common features होंगे, इसीलिए तो उसको डाल दिया गया है under genus. ठीक है? अच्छा, बट अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछूं कि लायन और लेपर्ड ज्यादा कॉमन है या फिर लायन आपस में ज्यादा कॉमन है, ज्यादा कॉमन फीचर्स है, तो ऑब्वियसली जित अगर मैं 10 लायन है, ये 10 लायन कॉमन फीचर्स के साथ हो रहे होंगे. इसलिए द मैक्सिमम कॉमन फीचर्स विद स्पीशीज देन विद द जीनस, इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना. ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं. अब देखो किंडा प्लांटी. ठीक है, प्लांटी जो है उसमें डिविजन होता है स्पर्माटोफाइटा एक. ठीक है, स्पर्माटोफाइटा, उसमें जो क्लास है वो है डाइकोटिलेडोनी. डाइकोटिलेडोनी, ठीक है, इसमें जो ऑर्डर है वो है पॉलीमोनियल्स. पॉलीमोनियल्स, ठीक है, इसकी जो फैमिली है वो है कॉनोलेसी और सुरानेसी. कॉनोलेसी एंड सुरानेसी, बड़ा सिंपल कर समझा रहा हूं, ध्यान सुनना. ठीक है, तो सुरानेसी है, उसमें जो जीनस है वो है सोलानम, पिट्यूनिया और डेटूरा. ओके, सोलानम, 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 पिट्यूनिया और डेटूरा. ठीक है, सोलानम जो है उसके अलग अलग स्पीशीज हैं, नाइग्रम, ट्यूबरोसम और मेलोगजिना. जो नाइग्रम है वो नाइट शेड कहलाता है, जो ट्यूबरोसम है पोटैटो कहलाता है, और मेलोगजिना है वो ब्रिंजर कहलाता है. अब जितने भी बैगन है वो सारे कॉमन है, बट बैगन और जो जो आलू है वो थोड़ी कॉमन है, वो तो अलग अलग है. हाँ, बट इन दोनों में कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स होंगे, इसीलिए वो बिलोंग कर रहे हैं सेम जीनस में जिसका नाम है सोलानम. ठीक है, तो याद रखना सोलानम नाइग्रम, ये क्वेश्चन आएगा बिकॉज ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ये है नाइट शेड, सोलानम ट्यूबरोसा ये है पोटेटो, और सोलानम मेलोगिना ये क्या है, ब्रिंजल. ये क्या है, ब्रिंजल. ओके, ये है ब्रिंजल. ठीक है, तो प्लांटे, देन स्पर्माटोफाइटा, डाइकोटिलेडोनी, फिर पॉलिनोमियल्स, फिर कॉनोलेसी, और एक तरफ सोलानेसी. सोलानेसी में सोलानम, पिटूनिया और डेटूरा. इन द सोलानम देयर इज नाइग्रम, ट्यूबरोसम और मेलोगिना एंड मेलोगिना. ठीक है, सो अगेन जो ऊपर तरफ जाते हैं वो अगेन वो सिंपल निमोनिक है, किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर अ गुड सूप. ओके किंग, अच्छा ये क्या, ये इंपॉर्टेंट है? अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं, जो है और याद रखना है, पैंथेरा लियो लायन होता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है. पैंथेरा पार्डस लेपर्ड है, ये याद रखना पड़ेगा, और पैंथेरा टिग्रिस टाइगर है, ये याद रखना पड़ेगा. ठीक है, इसके बाद क्या याद रखना पड़ेगा, सोलानम नाइग्रम नाइट शेड है, सोलानम ट्यूबरोसम पोटेटो है, और सोलानम मेलोगना है वो ब्रिंजल है. तो ये सब नाम याद रखना पड़ेंगे बिकॉज ये मैंने अलग से नहीं उठाया है, मैंने एनसीईआरटी से उठाया है. ठीक है, एनसीईआरटी से उठाया है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो याद नहीं रखना पड़ता. ठीक है, एंसर में जो भी लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से पढ़ाऊंगा, है ना. चलो, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो ये सबसे सीधी यहां लिखी हुई है, फैमिली का मैं आपको बता चुका हूं. ओके, फैमिली का मैं आपको बता चुका हूं यहां पर.
ऑर्डर बता चुका हूं, क्लास बता चुका हूं, और फाइलम भी बता चुका हूं, ठीक है। ऑर्डर, क्लास और फाइलम के बारे भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, किंगडम, ओसी, एनिमेलिया, डांटे, ये हमने ऑलरेडी बीन टोल्ड। अच्छा, अब यहां पर कुछ नाम अगेन दिए हुए हैं, तो बिकॉज नाम दिए हुए हैं इसको पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट इसका बायोलॉजिकल नेम याद रखना। ह्यूमंस का तो याद रहेगा ही आपको, होमोसेपियंस को बोलोगे नहीं कभी, है ना। हाउसफ्लाइज, मस्का डोमेस्टिका, बिकॉज डोमेस्टिक हाउसफ्लाई होता है तो मस्का डोमेस्टिका कहलाता है। मैंगनो, सॉरी, मैंगो, मैग्नेटा इंडिका, और वीट है ट्राइटिकम एस्टिविका। तो ट्राई करो एटलीस्ट ये चार नाम याद रखने का, बिकॉज ये दिया हुआ है एनसीआरटी में। मैं ये नहीं कहता हूं जो भी चाहे वो पर याद कर लो, इतना याद ही नहीं कर पाओगे तो कोशिश भी मत करना, पर जो एनसीआरटी में दिया हुआ है उसको ठीक से याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या है, इसमें जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं वो है हाउसफ्लाई का, मस्का डोमेस्टिका, ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है, वीट का भी नाम आ चुका है ट्राइटिकम एस्टिविकम। ऑब्वियसली देखो कि मैन ने होमोसेपियंस और मैंगो मैंगो में मैग्नेटा इंडिका लेन, ये तो याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपका ऐसे याद रहेगा, है ना। अच्छा, तो दिस ऑल आई हैव टोल्ड यू, बट अंडरस्टैंड, अगर आप बोलोगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं, तो क्वेश्चन आए हुए हैं ये वाले, दिस ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिस ऑल आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसलिए बेटा इसको ट्राई करो याद रखने का। चलो आगे बढ़े, अब आते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स के ऊपर, टैक्सोनॉमिकल एड्स के ऊपर आते हैं, ठीक है। इवन बिफोर आई मूव टू दिस, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इनटू योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, ठीक है ना। अब इतना तो हम पढ़ चुके हैं, अब मुझे आप 2 मिनट दो जहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। आर यू रेडी, आर यू रेडी, बताओ मुझे पहले, सब लोग जानना चाहते हो कैसे कैसे अभी अपनी इस टाइम पे कैसे पढ़ना चाहिए, आर रेडी और नॉट, पहले अगर बताओगे तो मैं आपको फटाफट बताता हूं व्हाट यू शुड डू नाउ इस टाइम पे, व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड टेक केयर इन योर माइंड सो दैट योर प्रिपरेशन बिकम्स वेरी वेरी गुड। देखो, इफ यू टॉक अबाउट कि प्रिपरेशन हमें कैसे करना है, रैंकर्स कौन होते हैं, समझो बात को, रैंकर्स कौन होते हैं बेटा, रैंकर वो नहीं होते हैं जो कि जन्म से बहुत अच्छे, मतलब सुपर डुपर इंटेलिजेंट होते हैं, वो रैंकर्स नहीं होते। रैंक लाने का कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है, सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि देखो 15 लाख, 15 लाख अगर दे रहे हैं और आपको उन 15 लाख में से 15 हजार में आना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ना वो होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, कंसिस्टेंसी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप मुझे मेरी वीडियो देखोगे तो वो कंसिस्टेंसी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी वो होता है कि आपने जो अपना एक रूटीन बनाया है ना, रूटीन जो बनाया है पढ़ाई का, उसको आप फॉलो करो। मैं आपको बताता हूं कि जो स्टूडेंट लाइफ में ना क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, होता क्या है कि आपने एक रूटीन बनाया अपना 12 आवर ऑफ स्टडी का, आपने प्लान बनाया कि सुबह उठूंगा 5 बजे। अब हुआ क्या कि आप 5 बजे सोचे उठने का, आप उठाए, उठ के पढ़ाई करना आपने शुरू किया 5:45 पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपने एक दिन पढ़ाई किया और नेक्स्ट डे कुछ ऐसा हुआ कि आप उठ नहीं पाए और फिर आप एक्स्ट्रा सो गए, या फिर एक हफ्ते आप उठे और फिर आप उठ नहीं पाए और फिर आप सो गए। अच्छा, इसमें क्या होता है समझो बात को, कि आपने जो एक टाइम टेबल बनाया था, मतलब आपने जो टाइम टेबल, मतलब क्या होता है, आपकी कमिटमेंट आपने खुद से करी, आपने जो टाइम टेबल बनाया वो आपने अपने लिए बनाया, मेरे तो नहीं बनाया, तो आपने एक कमिटमेंट किया आपने आपको कि मैं ये करूंगा या करूंगी, मैं 2 घंटे सुबह में, 2 घंटे ब्रेकफास्ट के बाद, और 2 घंटे लंच के बाद, और 2 घंटे अपने डिनर के पहले, और 2 घंटे डिनर के बाद, मैंने 10 घंटे का एक कमिटमेंट दिया अपने आपको। पर हुआ क्या, उसी कमिटमेंट के बीच में मैंने उठा लिया मोबाइल फोन और जो मेरी कमिटमेंट थी वो 0 हो गई। क्यों? बिकॉज जब आपने कमिटमेंट करी और उसका फुलफिल नहीं कर पाए, तो क्या होता है, आप देखो एक विशेष साइकिल में आते हो, वो साइकिल आपको ये बताता है, एक इंपल्स देता है आपको माइंड में कि मैं ना पढ़ाई नहीं कर पा रहा, कर पा रही हूं। आपको एक डीमोटिवेशन वाली फीलिंग आती है अपने आप के अंदर से कि मेरा तो 2 घंटा वेस्ट हो गया, आज मैं सोचा था कि ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगी, मैं तो टाइम ही वेस्ट हो गया, अरे मुझे किसी काम से बुला लिया गया बाहर में, अरे मुझे जाना पड़ेगा कहीं और मार्केट में। अब इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना जो अपना मोटिवेशन लेवल है वो डाउन कर देते हैं, और बिकॉज डाउन कर देते हैं ना तो उनकी पढ़ाई पे इफेक्ट होने लगता है। जब पढ़ते पढ़ते क्या होता है, मान लो कि आप लाइन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, देखो मैं बता रहा हूं, मैं एक लाइन आपके लिए पढ़ रहा हूं, ये मैं आपको समझा रहा हूं, मैं लाइन पढ़ रहा हूं,
टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। मैं लाइन पढ़ा ना, आपका दिमाग ही नहीं है यहां पढ़ने के लिए। आप सोच रहे हो कुछ और, दिमाग में कुछ और चल रहा है, बट आप लाइन पढ़े जा रहे हो। अब एक ही लाइन को आपने एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा और अल्टीमेटली अगेन वो विषय चक्र में जाते हो कि मैं ना पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूं, मैं कमजोर हूं एज अ स्टूडेंट। मैं एज अ स्टूडेंट कमजोर हूं, मतलब मेरे से तो पढ़ाई हो ही नहीं पाएगा। अब समझो ये शुरुआत कहां से हुई। ये शुरुआत वहां से हुई जहां पर आपने अपने अपने आप को दिया हुआ जो कमिटमेंट है वो लूज कर दिया। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि बेटा कमिटमेंट ना अपने आप को सिर्फ उतना दो जितना फुलफिल कर सकते हो। मतलब प्लान, जो टाइम टेबल के हम प्लान बनाते हैं, जैसे मैंने आपके टाइम टेबल बनाया 14 आवर्स अ डे मैंने बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 14 घंटे पढ़ सकता हूं। जरूरी नहीं है कि 14 घंटे पढ़ के रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ के भी रिजल्ट ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप तो मैं तो आपको जानता नहीं हूं पर्सनली, मैं तो आपको पर्सनली नहीं जानता हूं, बट आप तो जानते हो ना अपने अपने आप को पर्सनली। तो बिकॉज आप अपने आप को पर्सनली जानते हो तो कमिटमेंट अपने आप को एक ऐसा दो ना जो कि फुलफिल कर पाओ। अपने आप को ये कमिटमेंट मत दो कि मैं पढ़ूंगा 14 घंटे पर मैं पढ़ नहीं सकता। अपने आप को कमिटमेंट दे रहा 14 घंटे का। उसमें क्या होगा कि जैसे ही वो 14 आवर्स आप टच नहीं कर पाओगे, आपकी जो मोटिवेशन है पढ़ने की ना वो डिप हो जाएगी। आपको ये लगेगा आप कमजोर हो, जबकि कमजोर नहीं हो। आपका जो शरीर बना हुआ है ना, देखो इतने सारे लोग हैं, हम सब में कॉमन सिमिलरिटीज है, पढ़ तो रहे ना, हम सभी में कॉमन सिमिलरिटीज है। और वो सिमिलरिटीज क्या है कि हम सभी लोग को मन अच्छा रखना होता है, हम सभी लोग को मोटिवेट रहना होता है। पर अगर आपकी कमिटमेंट आपने अपने आप से करी है 6 घंटे की और ये 8 घंटे की, और अगर वो 6 या 8 घंटे आप पूरा कर पा रहे हो, तो प्लीज मेरा एक बात मानो और वो 6 और 8 घंटे ही कमिट करो अपने आप को। अपने आप को 14 आवर्स कमिट मत करना। बट अगर आपका कमिट, अगर आपको ये लगता है बेटा कि आप 14 आवर्स पढ़ सकते हो, तो करो ना 14 आवर्स की स्टडी। तो होगा क्या उससे कि द मोमेंट आप बनाओगे 6 घंटे का एक टाइम टेबल और 6 आवर्स को पूरा करोगे ना, अगेन नेक्स्ट डे आप जानते हो क्या करोगे, आप 6 आवर्स नहीं पढ़ोगे, आप 7 आवर्स पढ़ोगे। और जब आपने 7 आवर्स पढ़ोगे ना, उसके बाद देना पढ़ोगे 8 आवर्स, और उसके बाद पढ़ोगे आप 9 आवर्स, और तब पहुंचोगे 14 आवर्स में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कल परसों तक पढ़ रहे थे 3 4 5 घंटे, अचानक से हमने एक बैच शुरू किया सेक्शन नाम का, और आपको लगा अब तो मेरी रैंक आ जाएगी, मैं फटाफट पढ़ूंगा 14 आवर्स। ऐसे मत करो, दूसरों को देख के मत करो, अपने आप का एक 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 लिमिटेशन समझो कि मुझे लगता है कि मैं आराम से पढ़ सकता हूँ 6 घंटे। मैं बता रहा हूं आपको वो 6 घंटे आपको रैंक लाएगा। आई कैन टेल यू। अब बताओ कि सर आपको कैसे पता ले आएगा रैंक, पूछो ना मुझसे। यू वोंट बिलीव द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनसे हम मिलते हैं ऑन एवरी डे बेसिस। मिलते हैं बाय द वे ऑफ मैसेजेस, मिलते हैं बाय द वे ऑफ द पर्सनल कॉल्स, मिलते हैं बाय द वे ऑफ द स्टूडेंट्स इंटरेक्टिंग टू अस इन द पीजी। मैं तो पीजी को पढ़ाता हूं ना, सभी लोग यही कहते हैं कि सर मैं अगर 4 घंटे पढ़ लूं ना तो मुझे तो मेरा दिल सफल हो गया। तो आप अपने आप को सिर्फ उतना ही टेंडर बनाओ जितना कि आपको लगता है फुलफिल कर सकते हो। प्लीज मेरे बोलने से या फिर किसी अल्लाह फना ढकना के कहने से 14 आवर्स का टाइम टेबल बनाने का लोड मत लो। ठीक है, पहला बात ये करो। सेकंड काम आप ये करो कि अपने लिए जो शेड्यूल बनाओगे, मान लो आप बना रहे हो, मान एग्जाम्पल ले रहा, आपने बनाया 6 घंटे का शेड्यूल। वैसे मुझे लगता है कि आर्डली बनाना चाहिए आपको 8 आवर का शेड्यूल, बट लेट्स अज्यूम कि आप 6 घंटे का बना रहे हो। तो 6 घंटे में आप क्या करो, एक ऐसा शेड्यूल बनाओ कि आपका हर दिन एवरी डे एटलीस्ट एक चैप्टर का रिवीजन हो फ्रॉम बायोलॉजी, एक का रिवीजन हो फ्रॉम केमिस्ट्री और एक का रिवीजन हो फ्रॉम फिजिक्स। जैसे कि हमने ये बैच शुरू किया, अब आप क्या करो समझो। अब देखो कल पढ़ाई हुई थी फिजिक्स की, उसके पहले हुई थी केमिस्ट्री की, उसके पहले हुई थी अगेन फिजिक्स की। तो अब जब कल का आप टाइम टेबल बना रहे हो, आप क्या करो, आप मॉर्निंग के सबसे मॉर्निंग में बनाओ लिविंग वर्ल्ड का उठते ही, फिर बना दो केमिस्ट्री जो आपकी परसों क्लास हुई थी, और फिर बना दो बायोलॉजी सॉरी फिजिक्स जो आपकी डे 1 पे क्लास हुई थी। तो मतलब क्या होगा ना कि जो फर्स्ट रिविजन है वो फटाफट हो जाएगा। आप बात को समझो प्लीज, अपना ना एक लिमिटेशन समझो अपना। मतलब अगर आपको ये लगता है कि आपकी रिविजन, अगर आप 6 घंटे का टाइटल बना के आप सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हो बाय द मंथ ऑफ एल से जून लास्ट या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक,
इससे अच्छा टाइम टेबल आप बना ही नहीं सकते। हर दिन अपने लंच करने के बाद, 2 बजे एग्जाम होती है ना यूजुअली, तो लंच करने के बाद एटलीस्ट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाओ। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाओ। उससे क्या होगा, आपको यह पता चलेगा कि कहां पर किस पॉइंट पे आप मिस कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बनाओ बिल्कुल हाई फाई किसी मॉड्यूल का क्वेश्चन, अब मैं ये कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ, और अगर वो क्वेश्चन गलत हो रहा है तो उसको खोल के एनसीईआरटी से मार्क कर लो, या फिर एक कॉपी बनाओ जहां पर जो गलतियां हैं उसको फटाफट लिखना शुरू कर दो, एक लाइन लिखना शुरू करो। अभी हाल में जैसे मैं अपने घर गया था, आपको बिलीव नहीं करोगे, 2002 में जब मेरी नीट नीट तो नहीं कहता, सीबीएसई पीएमटी की रैंक होती, अभी तक वो कॉपी मेरे घर में रखी हुई है। मैं ये देख रहा था किस तरह से मैंने कोई भी गलती हुई के क्वेश्चंस को एक सिंगल लाइन लिखा था उसमें, सिंगल लाइन, एक एक लाइन लिखा था उसमें। और वो जो कॉपी है ना, वो रिवाइज करोगे आप एग्जाम के 1 महीने पहले से। मान लो आपको याद नहीं हो रहा है, मान लो कि आपको ये याद नहीं हो रहा, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, प्रीटम एसवन याद नहीं हो रहा है, अरे मत लौट लो ना अभी। ये अगर याद कर भी लोगे आज और कल भूल जाओगे तो फायदा क्या होगा। आप इस सिंगल लाइन को लिख लो अपने कॉपी में, और उस कॉपी में आपको लास्ट मंथ में रिविजन शुरू कर दो, सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, सब कुछ कवर हो जाएगा। द ओनली थिंग दैट यू नीड इज अ राइट पर्सन टू मोटिवेट यू। अरे हम सभी लोगों तो सेम ही है, सिमिलर कैरेक्टर से तो बता रहा हूं, सब लोग सेम ही तो है, कुछ अलग तो है नहीं। बस रिक्वायरमेंट है एक सही मार्गदर्शन का, जो कि मुझे लगता है कि इफ आई कैन गिव इट टू यू, आप सभी लोगों में कैपेबिलिटी है कि यू कैन क्रैक नीट दिस ईयर। बस सही मोटिवेशन के साथ चलो और अपना इंटेंट सही रखना, टाइम टेबल वही बनाना जो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी मूव टू टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या है वो टैक्सोनॉमिकल एड्स, मैं आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाता हूं पहले और फिर देखेंगे ये होता क्या है। देखो फटाफट कुछ 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 इमेज देखो, सबसे पहले देखो इस चीज को, ये क्या है, ये देखो, इस पे देखो, ये है एग्जैक्टली क्या, ये है टैक्सोनॉमिकल एड, इसका नाम है हर्बेरियम। ओके, इसका नाम है हर्बेरियम, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये बड़ा हर्बेरियम है। क्यों हर्बेरियम है, बिकॉज यहां पर क्या किया गया है, यहां पर एक ड्राइड ड्राइड प्लांट को चिपका दिया गया है एक पेज के ऊपर, और इसके बाद नीचे में यहां लगाया गया एक लेबल, यहां बनाया गया एक लेबल, एक ड्राइड प्लांट का जो यहां पर लगा दिया गया है और उसके नीचे से लगाया गया लेबल। लेबल में क्या क्या लिखा गया वो इंपॉर्टेंट है। जो लेबल है, लेबल में क्या क्या है, उसमें है डेट एंड टाइम ऑफ कनेक्शन, उसमें है इसका इंग्लिश और लोकल और बोटानिकल नेम, इसमें है उसका फैमिली का नाम, और इसमें है किसने उसको कलेक्ट किया था, किसने उसको कलेक्ट किया था। यह है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम के 4 फीचर्स होते हैं, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, सेकंड इंग्लिश एंड लोकल एंड बॉटनिकल नेम, नेक्स्ट फैमिली नेम, और नेक्स्ट है कलेक्टर्स नेम। ये क्या है, ये हर्बेरियम का एक पेज है। इसमें हर्बेरियम में क्या होता है, देयर इज अ, इट्स कॉल्ड एज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, इट्स कॉल्ड अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स। ये ड्राइड प्रेस्ड मतलब चिपटा किया हुआ, ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन अ पीस ऑफ पेपर होता है, ठीक है। जो हर्बेरियम के जो पेज की जो साइज होती है, वो साइज भी कहीं ना कहीं पूछी हुई है, इट इज अराउंड 42 to 29 सेंटीमीटर्स, या फिर अगर आप इंच में बोलोगे, इंच में बोलोगे 11.5 into 16.5 inches, 11.5 into 16.5 inches इसकी साइज होती है, 11.5 into 16.5 इसकी इंचेस होती है। तो ये है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम इज व्हाट, इट्स अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स होता है हर्बेरियम। अच्छा अब देखो इसको, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि किसी पार्क में आ गए। इस पार्क का नाम है बॉटनिकल गार्डन्स, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन अगर आप इंडिया की बात करो तो वो कोलकाता हावड़ा में है, वो लखनऊ के पास है, और इंग्लैंड में क्यों है वहां पर है। वैसे देखो बॉटनिकल गार्डन दिखाई तो नोएडा में भी है ना, बट बॉटनिकल गार्डन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो याद रखना है आपको, ठीक है ना। बॉटनिकल गार्डन एक हावड़ा में, नोएडा में भी है ना, वो तो याद नहीं रखना है, जो लिखा हुआ वो याद रखना है, एक हावड़ा में है, एक लखनऊ में है, और एक क्यू इंग्लैंड में है। बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है और उसमें क्या, देखो हर्बेरियम में क्या है, ये तो चिपटा हुआ एक प्लांट है ना, ये तो प्लांट मतलब चिपटा हुआ है, मरा हुआ है, आप इसको ड्राई करके प्रिजर्व कर दिया है। बट बॉटनिकल गार्डन में क्या है, यहां पर लिविंग प्लांट्स होते हैं,
लिविंग प्लांट के नीचे अगर आपने देखा हो, एक छोटा सा लेबल लगा रहता है ग्राउंड के ऊपर, वहां पर लिखा रहता है इसका बॉटनिकल या फिर साइंटिफिक नेम, लिखा रहता है उसका बॉटनिकल या फिर साइंटिफिक नेम, ठीक है, बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम, ठीक है। अगर कोई ऐसा बॉटनिकल गार्डन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्री और श्रब्स हैं, ट्री और श्रब्स हैं, तो वो कहलाएगा बेसिकली एक आर्बोरेटम, आर्बोरेटम, ठीक है। इफ देयर इज अ बॉटनिकल गार्डन एक्सक्लूसिवली फॉर ट्री एंड श्रब्स, उसका नाम होगा आर्बोरेटम, उसका नाम होगा आर्बोरेटम, ठीक है, आर्बोरेटम। तो दो ने बताया, अगर एक प्रिजर्व प्लांट को आप रख रहे हो पेपर के ऊपर तो हर्बेरियम, अगर लिविंग ट्री रख रहे हो तो क्या है ये, लिविंग ट्री क्या है ये, बॉटनिकल गार्डन। अच्छा, फिर आता है एक म्यूजियम, म्यूजियम तो आप गए होंगे, म्यूजियम क्या है, म्यूजियम जो है, म्यूजियम क्या है, म्यूजियम इज अ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, प्रिजर्व प्लांट एनिमल्स। तो म्यूजियम में क्या होता है, जो लोकल फ्लोरा एंड फौना है उसके आसपास का जो एरिया है, लोकल फ्लोरा एंड फौना एलॉन्ग विद द अदर एरियाज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, उस जैसे मान लो कि मैंने म्यूजियम बनाया, मान लीजिए म्यूजियम बनाया, मान लीजिए मैंने दिल्ली में बनाया, तो दिल्ली में पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फौना, प्लांट एंड एनिमल को मैं रखूंगा, और जो पूरे इंडिया में जो फ्लोरा एंड फौना है उसको भी रखूंगा। तो लोकल फ्लोरा एंड फौना एंड अदर एरियाज फ्लोरा एंड फौना इज ऑल्सो कैप्ट इन म्यूजियम। म्यूजियम में लिविंग तो होता नहीं, वो होता प्रिजर्व, तो प्रिजर्व एनिमल भी होंगे और प्लांट्स भी होंगे, एनिमल भी होंगे प्लांट भी होंगे। कुछ एनिमल्स को हम रखेंगे इन द प्रिजर्वेटिव्स, इन अ जार लिक्विड के फॉर्म, लिक्विड में, और किसी को रखेंगे ड्राई के फॉर्म में। अगर किसी एनिमल को रखना है तो ऑब्वियसली उस एनिमल के जो अंदर के इंटेस्टीन है या फिर जो जो भी ऑर्गन्स है उसको निकाल दिया जाएगा और फिर उसके अंदर स्टफ किया जाएगा, सॉफ्ट कोई भी सिर्फ सॉफ्ट चीज डाल सकते हो, कॉटन वॉटन, और फिर इसको सिल के रखा जाएगा। मतलब द लार्जर एनिमल्स आर स्टफ्ड, लार्जर एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड इंसेक्ट्स आर पिंड इन अ इंसेक्ट बॉक्सेस, इंसेक्ट्स आर ऑल्सो कैप्ट इन द इंसेक्ट बॉक्सेस, ठीक है, इंसेक्ट बॉक्सेस, बॉक्सेस। फटाफट बोलता हूं आपको, अभी तक मैंने वो क्या क्या बताया, ध्यान से सुनना और बीच में इंटरप्ट मत करना, सुनो। सबसे पहले मैंने बताया कि अगर एक पेज में चिपकाया हुआ कुछ प्रिजर्व्ड लीव्स प्लांट्स है, ये कहलाएगा हर्बेरियम। हार्बेरियम के नीचे लिखा रहता है कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक हु हैज करेक्टेड हिम, व्हाट इज द फैमिली नेम, व्हाट इज द इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, एंड डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। यूजली इसका पेज का साइज होता है 11.5 x 16.5 इंचेस, 11.5 x 16.5 इंचेस, ठीक है, दिस कॉल्ड एज हर्बेरियम। तो हर्बेरियम इज इन अ पेपर। इफ यू लुक इन टू द लिविंग प्लांट्स, इट इज कॉल्ड एज बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन इट हैज अ लेबल विच हैज बॉटनिकल नेम एंड द साइंटिफिक नेम ऑफ द सेम। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज म्यूजियम्स। म्यूजियम हैज प्लांट्स ऑल्सो, एनिमल ऑल्सो, बट दीज ऑल आर डेड। द लार्जर एनिमल्स आर एक्चुअली स्टफ्ड, इंसेक्ट्स आर पुट इन अ इंसेक्ट बॉक्स, एंड देयर इज ऑल्सो प्लेसमेंट ऑफ द स्मॉल एनिमल्स इन द जार्स एंड कंटेनर्स विथ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के साथ इसको अंदर रखते हैं। तो तीन चीज बता दी मैंने, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन और म्यूजियम्स, और म्यूजियम्स। डू यू कीप स्केलेटन्स इन म्यूजियम्स? यस। डू यू कीप इंसेक्ट? यस। प्लांट्स? यस। एनिमल्स? यस। सब कुछ रखेंगे म्यूजियम के अंदर। अच्छा, इस तरह से जिस तरह से हमने एक लिविंग लिविंग प्लांट को ग्रो किया था बॉटनिकल गार्डन में, उस तरह से लिविंग वाइल्ड एनिमल्स को ग्रो करेंगे कहां पर? जू के अंदर, ठीक है। तो व्हाट इज अ जू? जूलॉजिकल पार्क। तो देखो जू की सैर करते हैं, ये है जू। देखो जू, जूलॉजिकल पार्क जो होते हैं, इट कीप्स वाइल्ड वाइल्ड एनिमल्स इन द नेचुरल हैबिटेट्स, वाइल्ड एनिमल्स इन नेचुरल हैबिटेट्स। ओके, आप पूछो व्हाट इज आर्बोरेटम, ठीक है। आर्बोरेटम क्या है? इफ एनी बॉटनिकल गार्डन हैज, लिखो, एक्सक्लूसिवली ट्री एंड श्रब्स, एक्सक्लूसिवली ट्री एंड श्रब्स, उसे नाम दोगे आर्बोरेटम। ट्री और श्रब्स अगर हैं तो उसको कहोगे आर्बोरेटम, आर्बोरेटम, और कुछ नहीं, मतलब कुछ उसमें फ्लावर व्लावर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें ट्री और श्रब्स है, उसको कहोगे आर्बोरेटम, ठीक है। अब बोलते हैं जू के बारे, तो जू में क्या है? लिविंग एनिमल्स इन द नेचुरल हैबिटेट्स। क्यों करते हैं ऐसा? टू अंडरस्टैंड, टू स्टडी देयर फूड हैबिटेट्स एंड द बिहेवियर, फूड हैबिटेट्स एंड बिहेवियर, ओके, फूड हैबिटेट्स
एंड बिहेवियर। ठीक है, अच्छा अब करते हैं एक और बात कि व्हाट इज अ की, चाबी क्या है। अच्छा मान लो, एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है ना, एक बार का एग्जांपल देखो। मान लो मुझे पहचानना है कि एक एनिमल जो है वो फिश है या एम्फीबियन है। मेरे बात ध्यान सुना, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मुझे ये जानना है कि सो कॉल्ड एनिमल जो है वो फिश है या एम्फीबियन है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। मेरे क्वेश्चंस होंगे सबसे पहले कि इज दैट अ वर्टिब्रेट, इज दैट अ वर्टिब्रेट, आप बोलोगे यस या नो। ठीक है, अगर वर्टिब्रेट होगा तो हम पूछेंगे उसमें फर है कि नहीं, फर है कि नहीं। चलो अगर उसे फर है या नहीं है, अगर नो है तो फिर क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा फेदर्स है कि नहीं, यस होगा तो बर्ड हो गया, अगर नो है फिर पूछे क्वेश्चन पूछेंगे उसकी स्किन ड्राई होती या नहीं, अगर ड्राई स्किन है तो रेप्टाइल बन जाएगा, अगर नो है तो पूछेंगे स्केल्स है कि नहीं, अगर स्केल्स है तो क्या है, फिश, अगर नहीं है तो एम्फीबियन, तो एम्फीबियन। देखो बेटा, अगर आपने कभी एलेक्सा से कुछ कभी पूछा है, एलेक्सा, एलेक्सा जो होती है ना, जो अमेजॉन एलेक्सा सेल करता है, तो एलेक्सा को अगर आप एक क्वेश्चन होता है एलेक्सा से आप पूछ सकते हो, एक गेस द फॉलोइंग, एलेक्सा से क्वेश्चन पूछती है इज इट लिविंग और नॉन लिविंग, आप बोलते हो लिविंग, फिर वो पूछती है अच्छा इज इट ऑन द सीलिंग और ऑन द फ्लोर, आप बोलते हो ऑन द फ्लोर, ऑन द सीलिंग, वो पूछती है आपसे कि इज इट डज इट गो राउंड एंड राउंड और इज ऑन डज इट गिव लाइट और नॉट, आप बोलते हो राउंड एंड राउंड, तो एलेक्सा बोलती है आपको इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर फैन, आप बोलोगे यस। मतलब एलेक्सा ने ये क्या किया कि कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे, दो आंसर होने चाहिए यस या नो, इस यस और नो करते करते आप पहुंच गए इनटू समथिंग कॉल्ड एज की। तो की व्हाट इज की, की इज समथिंग विच यूजेस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स एज अ पेयर्स, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एज अ पेयर। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था वर्टिब्रेट है या नहीं है, ठीक है, आपसे पूछा फेदर्स है या नहीं है, आपसे पूछा ड्राई स्किन है या नहीं है, आपसे पूछा स्केल्स है या नहीं है, तो ये जो क्वेश्चंस थे ना ये सारे कहलाएंगे, दिस ऑल क्वेश्चंस, दिस ऑल आर कॉल्ड एज पेयर्स, द ऑल आर कॉल्ड एज पेयर्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चनिंग इज कॉल्ड एज की, इट इज कॉल्ड एज स्की, ओके, इट इज कॉल्ड एज की। ठीक है, तो ये क्या था, ये था जू, ओके। नाउ वी मूव टू की, व्हाट इज अ की, की मैं आपको एग्जांपल दिया, की इज समथिंग व्हिच यूजेस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एज अ पेयर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एज अ पेयर, इसे कहते हैं की, इट इज कॉल्ड एज की। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज की, क्लियर हो गया। अच्छा नाउ वी मूव टू अदर क्वेश्चंस व्हिच अगेन आर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। मुझे बहुत बार बच्चों ने ये बोला कि सर मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है इस टाइम पे कि व्हाट आर यू नो, कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनके लिए जो कि आप कंफ्यूजन भी होते हैं, मैं मानता हूं, जैसे व्हाट इज फ्लोरा, व्हाट इज मैनुअल, व्हाट इज मोनोग्राम एंड व्हाट इज अ कैटलॉग। ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर दिस। ठीक है, चलो लिखते हैं फटाफट। देखो लेट्स टॉक अबाउट फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, फ्लोरा एकदम क्लियर लिख लेना ताकि डाउट ना हो, और ये जो चैप्टर है इसका बहुत अच्छे से हम एंड कर पाए, फ्लोरा, फिर मैनुअल्स, ठीक है, फिर मोनोग्राम्स, मोनोग्राम्स और कैटलॉग्स। ठीक है, दीज फोर थिंग्स आर वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर अ स्टूडेंट, तो मैं इसको क्लियर करता हूं, ये चारों चीज होती क्या है। यस, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, कोई डाउट ही नहीं है, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। अच्छा अब देखो फ्लोरा क्या है, सपोज यू हैव टू नो कि कोई भी प्लांट के बारे आपको ये जानना है कि इस प्लांट का हैबिटेट क्या है, वो किस क्लाइमेट में ग्रो करता है, उसकी सीजनल वेरिएशंस क्या है, तो ये कहां से पढ़ेगा आप, ये पढ़ोगे आप फ्लोरा से। सो इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले पहले समझो कि ये क्या करता है, तब इसके लिखेंगे डेफिनेशन। एनी हैबिट, प्लीज समझो, हैबिटेट, हैबिटेट, क्लाइमेट चेंजेस और सीजनल वेरिएशंस, ठीक है, सीजनल वेरिएशंस ऑफ अ प्लांट कैन बी नोन बाई अ फ्लोरा। तो वॉट इज अ फ्लोरा, सो बाई डेफिनेशन फ्लोरा इज अ एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया। ओके, एक्चुअली वॉट इज अ फ्लोरा, फ्लोरा इज, इसको मैं लिख रहा हूं, फ्लोरा इज
फ्लोरा इज एक्चुअल अकाउंट, मतलब ऑल डिटेल्स, कुछ भी जानना है आपको आप पढ़ो फ्लोरा को, ऑल डिटेल्स मतलब एक्चुअल अकाउंट, मतलब ऑल डिटेल्स मतलब क्या हुआ, ऑल डिटेल्स ठीक है, ऑफ हैबिटेट, ओके हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन अ गिवन एरिया, ये है, ये जो लिखा मैंने ये है फ्लोरा, ये है फ्लोरा ठीक है। अब आते हैं व्हाट इज अ मैनुअल, व्हाट इज अ मैनुअल। देखो अब क्या हुआ, अगर मान लो कि मुझे जानना है, मैं गया कश्मीर में और मैं देख रहा हूं कश्मीर में इतने सारे पेड़ पौधे हैं और मुझे ये जानना है कि ये कौन सा जो कौन कौन है वो किस समय ग्रो करता है, प्लस ये जो फर ट्री है, जो पाइन ट्री है, ये कहाँ ग्रो करता है, तो मैं पढ़ूंगा फ्लोरा को। बट अगर मान लो मुझे सिर्फ एक प्लांट के बारे सब कुछ जानना है, मैं पढ़ूंगा मैनुअल को। जैसे एग्जाम्पल में समझो, मान लो कि मैंने फ्रिज खरीदा, फ्रिज के साथ क्या आता है, मैनुअल आता है, उस मैनुअल में उस टोटल सो कॉल्ड जो नेम है, उस फ्रिज का जो नेम है, पार्ट्स है, उसका सब कुछ लिखा रहता है। मतलब क्या हुआ कि जितना भी डिटेल जानना है आपको सो कॉल्ड स्पीशीज के बारे, वो मिलेगा आपको मैनुअल में। तो मैनुअल इज व्हाट, इट्स अ इंफॉर्मेशन, इट्स अ इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ अ स्पीशीज फाउंड इन अ एरिया, इट इज अ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ एरिया, फाउंड इन अ एरिया। तो अगेन कंफ्यूज मत करो, जैसे मान लो आपने खरीदा एक लैपटॉप, लैपटॉप के साथ आया एक छोटी सी किताब, उस किताब में लिखी हुई है लैपटॉप में कीबोर्ड है, लैपटॉप में स्पेस बार है, लैपटॉप में उसका स्क्रीन है, लैपटॉप में आपके ये पार्ट्स हैं, तो वो जो यूएसबी 2.0 3.0 है, ये पढ़ोगे उसके मैनुअल में। तो अगर आपको किसी एक स्पीशीज के बारे सब कुछ जानना है तो आप पढ़ोगे मैनुअल को ठीक है। अच्छा पर मान लो, अब ये तो क्या स्पीशीज के बारे, मान लो आपको जानना है, मान लो आपको जानना है एक किसी टैक्सा के बारे, मतलब आपको जानना है किसी फाइलम के बारे या किसी किसी ऑर्डर के बारे या किसी सो कॉल्ड स्पीशीज के बारे या जीनस के बारे या ऑर्डर के बारे। तो अगर आपको किसी एक टैक्सा के बारे सब कुछ जानना है, किसी एक टैक्सा के बारे सब कुछ जानना है, एक टैक्सा ना एक, अगर आपको सिंगल टैक्सा के बारे सब कुछ जानना है तो आप पढ़ोगे मोनोग्राम्स। मोनो मतलब होता है सिंगल, समझो याद नहीं करो, सिंपल लॉजिक इतना ईजी है। मोनो मतलब होता है वन, मोनो मतलब ही वन होता है। तो इफ यू वॉन्ट टू हैव इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन, एग्जाम्पल आपको जानना है फैमिली के बारे या जानना है ऑर्डर के बारे या जानना है मान लो उसके स्पीशीज के बारे, कोई भी एक के बारे सब कुछ जानना है, तो पढ़ोगे मोनोग्राम्स। कैसे याद करोगे, देखो अगर जैसे ही क्वेश्चन आ रहा है एनी वन, समझो बात को, जैसे ही आया वन, तो वन से तो मोनो ही याद आएगा ना, वन से मैनो थोड़ी याद आ जाएगा, वन से फ्लोरा थोड़ी याद आ जाएगा, तो एक सोच क्यों रहे हो इसको, बड़ा सिंपल है ये तो ठीक है। मोनो मतलब वन होता है। अच्छा अब आते हैं कैटलॉग में। अच्छा कैटलॉग, पहले ये बताओ, जैसे मान लो कि आप गए किसी एक शॉप में ठीक है, और शॉप में आपको खरीदनी है, मान लो मेरी किताब आती है, उसका नाम है कंप्लीट रिव्यू ऑफ हेमाटोलॉजी ठीक है ना, मेरी किताब है। आप गए बुक शॉप में और आपने बोला कि आप ना मुझे पहले अपना कैटलॉग दिखाई कौन कौन सी किताब है, उसने आपको पकड़ा दी एक किताब, आप एक छोटी सी किताब, उस किताब में जितने भी ऑथर्स हैं भारत में सबका नाम लिखा हुआ है ठीक है, सबका नाम लिखा हुआ है, और आपने उसमें से खोजा और आपको मिला अरे ये है डॉक्टर प्रवीण की किताब, आपने बोला कि जो ये जो यहां पर दिख रही है ना इसको आप दे दो मुझे। मतलब क्या हुआ कि एक लिस्ट है, एक लिस्ट है या रजिस्टर उसने बना के रखा है, जहां पर जितने भी किताब है वो अपने दुकान में से रखी हुई है, वो सारा का लिस्ट आपको उसने पकड़ा दी। इस लिस्ट और रजिस्टर का नाम होता है कैटलॉग। कैटलॉग क्या है, कैटलॉग इज अ लिस्ट और रजिस्टर हैविंग नेम्स ऑफ
ऑल द स्पीशीज फाउंड इन एरिया, कैटलॉग। सोचो ना, सिंपल एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, कैटलॉग क्या होता है? इट्स अ लिस्ट, इट्स अ लिस्ट और रजिस्टर, इट्स अ लिस्ट और रजिस्टर हैविंग नेम्स, ओके, हैविंग नेम्स ऑफ ऑल, याद ना, ऑल मोनोग्राम नहीं है बेटा, ये मोनो नहीं है, एक नहीं है, ऑल सिर्फ नाम है इसका, उसके अंदर क्या उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सो लिस्ट और रजिस्टर हैविंग नेम्स ऑफ ऑल स्पीशीज, ऑल स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। ठीक है, तो ये चार चीज के बारे में आपको कंफ्यूजन था, बट अब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब ये कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चारों चीज मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया है। अब मान लो आपको याद करना है और आपको याद नहीं हो रहा है, ये तो दिक्कत है ना आपको, आपको याद नहीं हो रहा है, समझो बात को। देखो, लेट्स अज्यूम आप गए कश्मीर घूमने और आपको जो है वहां पर जितने भी पेड़ पौधे सबके बारे सब कुछ देखना है कि कौन सा पेड़ कहाँ ग्रो करता है, इसमें कौन से फल लगते हैं, ये कब ज्यादा ग्रो करता है, मतलब विंटर में ग्रो करता है या ठंडे में ग्रो करता है, फिर गर्मी में ग्रो करता है, तो आप पढ़ोगे फ्लोरा नाम की किताब, फ्लोरा पढ़ोगे, ठीक है। अब आपको उसमें से एक पेड़ बड़ा पसंद आया, उसमें ग्रो कर रहा था एक पाइन, आपको जानना है, सब कुछ जानना है उसके बारे, तो आप पढ़ोगे मैनुअल, मैनुअल पढ़ोगे। अगर मान लो आपको सिर्फ एक टैक्सोन के बारे पढ़ना है, सिंगल एक टैक्सोन के बारे पढ़ना है, आप पढ़ोगे मोनोग्राम्स, और अगर आपको देखना है पूरी पूरी लिस्ट देखनी है, एंटायर लिस्ट देखनी है, तो आप पढ़ोगे कैटलॉग्स। तो कंफ्यूजन तो है ही नहीं ना, सिंपल तो कर दिया मैंने, आप गए कश्मीर घूमने और सारे पेड़ पौधे आपको दिमाग में चल रहा होगा, कश्मीर आप गए थे ना, वो वादियां आपके दिमाग में आ रही होंगी, उन वादियों के बारे सारे पेड़ पौधे अगर पढ़ना है आप पढ़ोगे फ्लोरा के बारे, ठीक है। अगर आपको सारे नेम्स जानने हैं उस स्पीशीज के बारे तो पढ़ोगे मैनुअल के बारे, अगर एक टैक्सोन के बारे पढ़ना है तो मोनोग्राम के पढ़ोगे, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक एक लिस्ट चाहिए जहां पर सारे नाम लिखे हुए हैं, सिर्फ नाम, ओनली नेम लिखे हुए हैं, तो आपको चाहिए कैटलॉग, आपको चाहिए कैटलॉग। तो यहीं पर दिस एनसीईआरटी अपना पूरा चैप्टर फिनिश करती है, एंड सो विल आई। यहां पर ये लिखा हुआ है, यहां पर फटाफट लिखो, देखो चार चीज लिखी हुई है, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, दे हेल्प इन, ये क्या लिखा हुआ है, दे हेल्प इन करेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा contains actual account of habitat distribution of a plant in a given area, ठीक है। कश्मीर की वादियों में सारे पेड़ पौधे दिख रहे होंगे आपको, अब दिख रहा है चेहरों में, आंखों में, मतलब कि माइंड में दिख रहा होगा, है ना। दे प्रोवाइड इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। मैनुअल्स आर यूजफुल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एरिया। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर ओनली वन टैक्सॉन, एंड कैटलॉग्स इज अ लिस्ट और रजिस्टर जहां पर सारे स्पीशीज के नाम लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, नाम लिखे हुए हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत फायदा किया होगा। एंड यू वुड हैव अंडरस्टूड दिस होल थिंग ऑल्सो वेल, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आराम से इसको जो है फटाफट इसको रिवाइज कर लेना है। ओके, एंड मेक श्योर कि आप कंफ्यूज नहीं करोगे और जो बताया बस वही पढ़ोगे, बाकी इसके ऊपर और नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, कोई जरूरत इसके ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल रखेंगे अपना प्रिपरेशन, सिर्फ एनसीईआरटी बेस रखेंगे, मैं आपका और टाइम नहीं लूंगा, हम आराम से इसको आराम से पूरा की पूरी फिनिश कर देंगे। जो बच्चे अभी भी बैच ज्वाइन नहीं किए हैं, बैच जरूर ज्वाइन कर लेना, इट विल रियली चेंज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, सक्षम बैच 100% ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो क्लास कैसी लगी इसके बारे आप इस, जब वीडियो खत्म हो जाएगी उसके बाद अपने कमेंट जरूर डाल देना, बिकॉज लाइव चैट में पढ़ नहीं पाता हूं, तो वीडियो खत्म हो जाने के बाद अपने कमेंट्स डाल देना, अगली बार नेक्स्ट चैप्टर के तरफ शुरू मिलेंगे, बट तब तक अपने रिवीजन स्ट्रेटजीज बहुत ही बहुत स्ट्रांग रखना, ठीक है। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किया सेशन बैच वो जरूर ज्वाइन कर लेना, इसमें कोई डाउट मत रखना, विल जस्ट मेक श्योर कि आपकी रिविजन द द द बेस्ट, एक प्यारे से मुस्कान के साथ आई विल टेल यू गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, मास्क जरूर पहनना बेटा,
थोड़े केस बढ़ रहे हैं, बट हम लोग सेफ रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड आई विश दैट यू कीप स्टडिंग योर सेल्फ। ओके, टाइम और बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट पढ़ने चले जाएंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे और फिर पढ़ने चले जाएंगे। कल इसकी क्वेश्चन डिस्कशन होगा, जो कि आपको जोसना मैडम कराएंगी, मैं नहीं कराऊंगा, जोसना मैडम कराएंगी, और उसको क्वेश्चंस को पूरा आप अच्छे से डिस्कस करना, और आई होप कि ये चैप्टर भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। टेक केयर, गुड बाय। यस, नोट्स बिल्कुल टेलीग्राम में अभी के अभी मैं भेज दूंगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अभी के अभी आपका आधे घंटे के अंदर आपको टेलीग्राम में नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो टेक केयर, गुड बाय, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, टेक केयर।